चलो लेट्स स्टार्ट। कैपिटल गेन रिवाइज करते हैं। कुछ कुछ इसमें अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है मेरे को जो लगता है। एग्जाम में क्वेश्चन में अलग से तो नहीं पूछेगा बट क्वेश्चन में पार्ट बना के जरूर पूछ सकता है। बहुत अच्छे अमेंडमेंट से कुछ कैपिटल गेन अपन याद करो पढ़े थे सर। चार्जिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन 45। ये बोलता था सर तीन बातें हैं तो हम बात करते हैं कैपिटल गेन की। पहला क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए और प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। अगर ये तीन बातें हैं तो ही बात करो कैपिटल गेन की, अदरवाइज कैपिटल गेन हेड पढ़ ही क्यों रहे हम, ठीक है। उसके बाद अगली दो बातें और भी थी कि प्रॉफिट और गेन होना चाहिए, लॉस पे तो कोई टैक्स होता नहीं है सर, और एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए सेक्शन 54 में। अगर एग्जेम्प्ट है तो फिर क्या ही टैक्स लगाओगे आप। फिर हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट किए थे। कैपिटल एसेट मींस हमने बोला था सर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो कि सर वेदर और बिजनेस से कनेक्ट करती है या नहीं करती, या फिर एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। इसमें ये वाला याद रखना सर, यूलिप अलग है और एलआईपी अलग है, क्योंकि जब अभी अमेंडमेंट लेक्चर्स में कवर किया था तो मैंने आपको बताया था एलआईपी का बहुत लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट अपन सीख के आए थे, याद है? एलिजिबल एलआईपी, फिर ट्रिपल ई एलआईपी। तो एलआईपी अलग है, यूलिप अलग है सर, ठीक है। यूलिप की कहानी आज भी वही है सर। अगर सर कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है जो ऑन एंड आफ्टर 1 फेब 2021 इशू हो रही है, तो सर अगर वो 1010D में एग्जेम नहीं है और जिसमें आप प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा पे करते हो, तो उस केस में वो कैपिटल एसेट माना जाता है और उस पर कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था सर अगर एक से ज्यादा पॉलिसी हो तो एग्रीगेटिव देखा जाएगा। फिर हमने बोला सर कैपिटल एसेट में कुछ चीजें नहीं आती, डज नॉट इंक्लूड। सबसे पहला क्या था? स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड आएगा नहीं सर, कंज्यूमेबल स्टोर्स आएगा नहीं सर, रॉ मटेरियल आएगा नहीं, ये सब चीजें बाहर होती है सर। फिर उसके बाद हमने बोला था पर्सनल इफेक्ट की चीजें बाहर होती है सर, जिसमें हम बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग वेयरिंग अपेरल्स फर्नीचर ये सब चीजें बाहर करते हैं सर, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, याद रखना, ठीक है। बट एक्सक्लूड, फिर हमने कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया। एक्सक्लूड किया मतलब हमने बोला सर ये सब चीजें कैपिटल एसेट है और इन पे कैपिटल गेन लगेगा। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी आर्ट ऑफ वर्क, ये सब कैपिटल एसेट है, इनमें कैपिटल गेन लगेगा। फिर हमने बोला सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट से बाहर है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट माना जाता है और कैपिटल गेन लगता है सर, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड देखने के लिए हम लिमिट्स चेक करते थे, ये लिमिट के बेसिस में डिसाइड करते थे सर कि वो रूरल है कि अर्बन है सर, ठीक है। इसके बाद आता था स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, इन सब को हम कैपिटल एसेट की कैटेगरी से बाहर रखते हैं। सरकार बोलती है इन सब को हम कैपिटल एसेट नहीं मानते, अगर कैपिटल एसेट ही नहीं मानते तो कैपिटल गेन की बात ही क्या है सर, ठीक है। उसके बाद है राइट्स, अगर आपके पास कोई इंडियन कंपनी में कोई राइट्स है तो वो अगर आप ट्रांसफर करते हो तो सरकार बोलती है उसे एसेट माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन की बात आती है सर। याद करो अभी अपन पढ़ेंगे भी जहां पर हम अपने ऑफर की राइट्स को ट्रांसफर करते हैं सर, ठीक है। अदर एस्पेक्ट्स में हमने और भी चीजें कवर की थी सर, ये सिल्वर यूटेंसिल, सिल्वर बाल्स, सोवरेंस, रूपी कॉइन्स, ये सब चीजों के बारे में भी पढ़ा था सर, इन सब को कैपिटल एसेट माना जाता है सर। गोल्ड आर्टिकल्स तो हमेशा से कैपिटल एसेट थे, ठीक। अब यहां पर अमेंडमेंट वाली बात, इंपॉर्टेंट बात, मेरे को तो लगती बहुत गजब इंपॉर्टेंट बात है कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ये हम पहले भी पढ़ते थे तीन चीजें, इसमें वो तीन चीजों में चेंज नहीं हुआ है सर, वो तो हम पहले भी जो पढ़ते थे वो आज भी है सर। सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड सिक्योरिटीज बोला था मैंने आपको, अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स कवर नहीं होते सर क्योंकि यूनिट्स नीचे कवर होते हैं सर, ठीक है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, याद करो मैंने पहले ही बोला था डेट ओरिएंटेड रहेगा तो सर कितने महीने, 36 मंथ्स। ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं सर, ये तीनों 12 महीने के लिए सर, जीरो कूपन बॉन्ड। इसमें ये अमेंडमेंट वाला याद रखना सर, अदर देन मार्केट लिंक डिबेंचर और यूनिट ऑफ ए स्पेशल म्यूचुअल फंड, इनको अलग किया सर। अदर देन इसलिए बोला क्योंकि ये दोनों कैटेगरी के लिए सरकार ने बोला ये हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे सर, ये हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे सर सेक्शन 50AA में। हमेशा याद रखना ये हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे सर, इसलिए मैंने नीचे नोट भी दिया सर। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ मार्केट लिंक डिबेंचर्स, ये अमेंडमेंट लेक्चर्स में मैंने समझाया भी था मार्केट लिंक डिबेंचर्स क्या होते हैं, एंड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, ठीक है, वुड ऑलवेज बी अ कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग, आप उसको कितने टाइम होल्ड करते हो इट डजंट मैटर, वो हमेशा शॉर्ट टर्म माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे और पढ़ना चालू किए थे सर,
शेयर्स ऑफ अ कंपनी अगर अनलिस्टेड है, लिस्टेड है तो ऊपर 12 मंथ्स पे कवर्ड है, अनलिस्टेड है तो नीचे कवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग होगा या बोथ है, तो सरकार ने बोला इनके लिए कितना महीने, 24 महीने, ठीक। इसके अलावा सरकार ने बोला भैया जो इस कैटेगरीज में कवर नहीं होते वो सब 36 में चल जाते हैं, जैसे यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, गोल्ड, ये सब 36 मंथ्स में जाते हैं। आई बात समझ? इसके बाद आती बात पीरियड ऑफ होल्डिंग। मैंने बताया था सर, भले इसको आप रेगुलर क्लासेस में एक बार सीख जाओ, एक बार पढ़ लो, बट एज सच इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग का कंसेप्ट एक सिंपल सा होता है सर, कि जब से हमने वो एसेट रखी है तब से लेके जब तक वो एसेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं तब तक पीरियड ऑफ होल्डिंग होती है। पर सर अगर मान लो कोई सेक्शन 47 वाली एसेट्स है, याद है ना सर, सेक्शन 47 जिसमें हम ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं मानते, तो उन सब केसेस में प्रीवियस ओनर या प्रीवियस जो पीरियड ऑफ होल्डिंग रहती है उसको भी कंसिडर किया जाता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग मेरे को लगता है ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पढ़ने की ऐसा नीड नहीं होती, बट इसको एक बार रीड करके भी चल जाओगे तो समझ आता है सर। जैसे इसमें शेयर्स वगैरह में याद रखना, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट होता है सर, ठीक है, याद रहेगा ना, बोनस शेयर्स होगा, राइट शेयर होगा, ये नॉर्मल शेयर्स होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट देखा जाएगा सर। आपको इसके लिए ये चीज याद रखना, अगर एग्जाम में कहीं क्वेश्चन में डेट ऑफ एप्लीकेशन दे दिया तो हड़बड़ाना नहीं, हमें तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से ही उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। आप इसको एक बार रीड करके चले जाओ, मोर देन इनफ है, इसको ज्यादा खोद खाद के पढ़ना नहीं सर, डजंट मेक एनी सेंस। बट मेरे को लगता है ये वाला भी याद रखना सर, इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर, स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में, स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से देखी जाती है, इसमें इसलिए ध्यान रखने बोल रहा हूँ। कारण क्या होता है पता है, हम इसकी जो टैक्सेबिलिटी करते हैं ना, वो टैक्सेबिलिटी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं। तो स्टूडेंट को क्या लगता है टैक्सेबिलिटी भी उस दिन की है? नहीं सर, हम टैक्सेबिलिटी जब कैपिटल गेन में देखते हैं ना, वो आदमी जब आगे बेचता है तो कैपिटल गेन में जब उसकी टैक्सेबिलिटी देखते हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट देखते हैं, जब से उसको कंपनी ने अलॉट किया है, जब से वो एक्सरसाइज किया ऑप्शन, उससे घंटा फर्क पड़ता है, कब से कंपनी ने उसको अलॉट किया तब से उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग देखी जाएगी। आई बात समझ? ये मेरे को लगता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये म्यूचुअल फंड वाले जो पॉइंट है ये तो सीएमए वालों में कवर्ड होते हैं सर, म्यूचुअल फंड वाले में, जहां पर एक म्यूचुअल फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज किया जाता है, या तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम को दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ मर्ज किया जाता है, तो वो पीरियड ऑफ होल्डिंग पिछले वाले म्यूचुअल फंड की भी लेंगे। ये सीएमए वालों में एमसीक्यू में आ जाता है सर, ये पहला म्यूचुअल फंड, ये दूसरा म्यूचुअल फंड, ये पहला वाला म्यूचुअल फंड दूसरे वाले के साथ कंसोलिडेट हो गया तो पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से ली जाएगी, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड तो एक ही है सर, बट अलग अलग स्कीम वाला है, एक डिविडेंड वाला है, एक बोनस वाला है। तो सरकार ने बोला अगर डिविडेंड वाला बोनस वाले के साथ जाके कंसोलिडेट हो गया तो इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग डिविडेंड से, जब डिविडेंड वाला जब से खरीदे थे ना तब से इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे, सिंपल, ठीक है। इसके बाद ये दो पॉइंट तो नए हैं जो मुझे लगता है डेफिनेटली अमेंडमेंट के पार्ट है, तो अच्छे पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आ सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है सर, ठीक है। यहाँ पर ये दो पॉइंट याद है, मैंने आपको क्या बताया था, सरकार ने क्या करवाया आपसे, एग्जैक्टली सरकार ने बोला भैया सुनो तुम्हारे पास गोल्ड पड़ा है, एक काम करो तुम उस गोल्ड को क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट कर लो। तो भैया हमने क्या किया, गोल्ड था हमारे पास, हमने सर उसके इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट किया, गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट किया। तो सरकार बोली कल के दिन इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को अगर आप बेचने जाओगे तो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से आपने गोल्ड खरीदा था तब से। आई बात समझ? फिर उसके बाद सेकेंड वाला केस था सर, जहां पर गोल्ड इज रिलीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। अब क्या हुआ सर, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को अपन ने किसमें कन्वर्ट किया, गोल्ड में। तो सरकार बोल रही है जब से आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट रखे हो ना सर तब से हम आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे। समझ आया बेटा दिमाग में? गोल्ड से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में गया तो जब से गोल्ड रखा था तब से, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट खरीदा था उसको बाद में गोल्ड में कन्वर्ट किया, तो सरकार बोली जब से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट रखा था ना तब से तेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग देखी जाएगी। आया समझ? अमेंडमेंट का पार्ट है इसलिए मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद आगे और पढ़ना स्टार्ट किया था हमने, और चीजें पढ़ी थी हमने, ये बोला था सर लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग कंसीडर किया जाता है। फिर हमने सेक्शन 247 पढ़ा था ट्रांसफर, सरकार ने बताया था कुछ चीजें जिनको हम ट्रांसफर मानते हैं। इसमें देखो ऐसा इतना सीएमए वालों का, चलो एमसीक्यू में तो ये आ भी जाता है, बेसिक है, बट मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई अलग से इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन बनता है,
इससे अलग से कोई क्वेश्चन बनने लायक टॉपिक नहीं है कि इतना हाई फाई टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अलग से बन जाए। एक बार इसको रीड करके निकल सकते हो कि सर सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट कंपलसरी एक्विजिशन जीरो कूपन बॉन्ड सर का जहां पर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं सर पोजीशन ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टीज ये सब केसेस को ट्रांसफर माना जाता है और इनमें कैपिटल गेन लगेगा। ध्यान रखना इंक्लूड्स दिया हुआ है, ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें सर। ठीक है, इसके बाद अपन सेक्शन 47 पढ़ना चालू किए थे, यही तो बवाल था सर। सेक्शन 47 क्या था सर? ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जिनको सरकार ट्रांसफर ही नहीं मानती। अब सरकार ट्रांसफर नहीं मानती मतलब इनमें कैपिटल गेन की बात आती ही नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला क्या था, जहां पर टोटल या पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ है सर फैमिली का डिवीजन है तो सरकार बोली भैया इसको हम ट्रांसफर मानते ही नहीं है, इसमें कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं सर। ठीक है, गिफ्ट विल और इरेवोकेबल ट्रस्ट इसको ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है एसेट्स, सरकार बोली इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड सब्सिडरी कंपनी क्या होना चाहिए, इंडियन कंपनी और होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर रखना चाहिए। सेम इज द कंडीशन जहां पर सब्सिडरी अगर होल्डिंग को ट्रांसफर कर रही है तो सरकार बोलती है होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए और होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर रखे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, सर एक कंपनी दूसरी कंपनी से अगर अमालगमेट हो रही है तो सर उस केस में जो एसेट ट्रांसफर होगी उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एक दूसरे से अमालगमेट होंगे तो ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसके बाद कुछ टॉपिक सीएमए वालों का था जो स्पेसिफिकली सीएमए वालों के लिए कवर था, इनसे क्वेश्चन तो सीएमए वालों का आता नहीं है, एमसीक्यू में एक आध बार आया है, बाकी ऐसा क्वेश्चन पुराने स्कीम में आता है, नए स्कीम में तो आता भी नहीं है सर। एनी ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर और शेयर हेल्ड इन इंडियन कंपनी बाय अमालगमेटिंग फॉरेन कंपनी टू द अमालगमेटेड फॉरेन कंपनी, बट सीए फाइनल में टॉपिक से एक अमालगमेटेड फॉरेन कंपनी दूसरी अमालगमेटेड फॉरेन कंपनी से जाके मिल रही है और इस कंपनी के पास इंडियन कंपनी के शेयर है, तो सरकार बोली ये अगर इसको एसेट ट्रांसफर कर रही है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर कंटिन्यू रहना चाहिए रिमेनिंग, और सर वो जिस कंट्री में ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि दो फॉरेन कंपनी है तो जिस कंट्री में ट्रांसफर हो रहा है सरकार बोली उस कंट्री में इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, अगर उस कंट्री में टैक्स लगता है तो हम भी लगाएंगे। ठीक है, इसको सेक्शन 47 के हिसाब से ट्रांसफर नहीं मानते। उसके बाद देखो अगर एक बैंकिंग कंपनी दूसरी बैंकिंग को एसेट ट्रांसफर कर रही है सर, ये तो बहुत ज्यादा हुआ है सर, बहुत सारी ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स देना बैंक बहुत सारे बैंक तो जाके मर्ज हुए हैं सर, तो अपनी एसेट ट्रांसफर किए ही है सर, सरकार बोली अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं सरकार बोली उसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा सर। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसी कोई फॉरेन कंपनी है जो दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ जाके अमालगमेट होती है जो अपने शेयर्स की वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन कंपनी से डिराइव कर रही है तो सरकार बोली सिंपल सी बात है कंडीशन सेम है जो आपने यहां पर पढ़ी थी, उसको ट्रांसफर नहीं मानते, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड वो उस कंट्री में भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला देखो सर, अगर कोई सर अपने फंड को रीएलोकेट कर रहा है, एक पहले पुराना फंड था फिर उससे नया एक फंड क्रिएट किया और नए फंड क्रिएट करने के कारण पुराने फंड के एसेट को नए फंड के एसेट में ट्रांसफर कर रहा है तो सरकार बोलती है उसको ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। शेयर होल्डर अगर ट्रांसफर हो रहे सर, अब आपने ओरिजिनल फंड से रिजल्टिंग फंड नया बनाया तो ओरिजिनल फंड के जो शेयर होल्डर है वो रिजल्टिंग फंड में जा रहे होंगे तो सरकार बोली इसको भी ट्रांसफर नहीं मानते, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसके बाद अगला था सर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, ये अगर कोई एसेट ट्रांसफर कर रही है सरकार बोलती है इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसके बाद देखो सर कोई ऐसा प्लान है जो अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी दूसरे पब्लिक सेक्टर को कर रही है, मतलब आप समझ लो राउरकेला स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट को कर रहा है, दोनों पब्लिक सेक्टर कंपनीज है तो सरकार बोली उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट सभी के लिए था सर डीमर्जर, याद है सर कोई कंपनी है जो डीमर्ज होती है और अपनी रिजल्टिंग कंपनी बनाती है तो सरकार ने बोला भाई अगर कोई कंपनी है जो डीमर्ज होकर अपनी रिजल्टिंग कंपनी बना रही है तो डीमर्ज कंपनी अगर रिजल्टिंग कंपनी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है सरकार बोली इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते और इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर उसके बाद सर देखो डीमर्ज फॉरेन कंपनी, अब डीमर्ज फॉरेन कंपनी है जो रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी बना रही है सर और उसकी जो वैल्यू डिराइव हो रही है शेयर्स की वो इंडियन कंपनी से हो रही है सर तो सरकार बोली सिंपल सी बात है उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड 75% ऑफ द डीमर्ज कहां चल जाएंगे सर टू रिमेन विद शेयर होल्डर ऑफ
रिजल्टिंग कंपनी, वो वहां रिजल्टिंग कंपनी में ट्रांसफर होंगे तो सरकार बोलती है इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड उस कंट्री में भी इसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके बाद अगला था सर कोऑपरेटिव बैंक, एक कोऑपरेटिव बैंक दूसरे कोऑपरेटिव बैंक के साथ क्या हो रही है, बिजनेस रीएलोकेट कर रही है, रीऑर्गेनाइज कर रही है, तो सरकार बोलती है इस केस में अगर कैपिटल ऐसे ट्रांसफर हो रही है तो इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा सर। अब अगर एक कोऑपरेटिव बैंक दूसरे कोऑपरेटिव बैंक के साथ रीऑर्गेनाइज करेगी अपने बिजनेस को तो सर शेयर होल्डर भी तो ट्रांसफर होंगे ना, तो सरकार बोली अगर शेयर होल्डर भी जा रहे हैं तो सरकार बोली इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसके बाद हमने आगे सभी के लिए था, ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे सीए हो, सीएसओ, सीएमए हो, सबके लिए कॉमन है। सर उसके बाद हमने क्या बोला था, सर अगर डीमर्ज कंपनी है, अगर वर्धमान सर डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर है, बाद में वर्धमान सर रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो सरकार बोलती है इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, वर्धमान सर के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा सर, ठीक है। उसके बाद अगला था सर अगर वर्धमान सर एक कंपनी है जो अमालगमेट हो रही है दूसरी कंपनी के साथ, इसको मैं रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ बताया हूं कि सर वर्धमान सर ए कंपनी के शेयर होल्डर थे, बाद में ए कंपनी बी कंपनी के साथ अमैलगमेट हो रही है, तो वर्धमान सर ए के साथ वर्धमान सर भी कहां जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, तो वर्धमान सर के पास पहले किस कंपनी का शेयर था, ए का था, बाद में किसका हो जाएगा, बी का, सरकार बोली इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इसको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड शेयर्स के बदले शेयर्स मिलना चाहिए, अगर कैश मिला तो इसको ट्रांसफर माना जाएगा और इस पे कैपिटल गेन लगेगा, फ्रैक्शन के बदले शेयर्स मिलेगा चलेगा, फ्रैक्शन के बदले शेयर्स मिलेगा सॉरी कैश मिलेगा चलेगा, ठीक है, फ्रैक्शन के बदले कैश मिलेगा चलेगा। इसके बाद अगला था सर एनी ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, कौन ट्रांसफर कर रहा है सर, इंडियन कंपनी, कौन, एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को, मतलब एक नॉन रेसिडेंट रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है, तो सरकार बोली इसको ट्रांसफर नहीं मानते, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर सरकार को लगा हम छूट गए, नीचे सरकार ने क्या बोला, सरकार को याद आया भैया हम भी तो हैं, अगर एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहा है आउटसाइड इंडिया जिसमें इंटरेस्ट पीरियोडिकली मिलता है तो सरकार बोली इसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इस पे भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आई बात समझ, फिर ये देखो सर ट्रांसफर ऑफ अ स्पेसिफाइड एसेट बाय अ नॉन रेसिडेंट ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन एनी आईएफएससी, आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यहां पर अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो जैसे कि जीडीआर हो सकता है आपका, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, कोई भी सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है मेड बाय नॉन रेसिडेंट, सरकार बोली इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक। इसके बाद हमने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, याद है सर, बाय वे ऑफ रिडम्पशन, मैंने ये क्लासेस में रेगुलर में बहुत अच्छे से बताया था, बाय वे ऑफ रिडम्पशन रहेगा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे, बट अगर आप बेचने निकल गए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड तो सरकार बोली आप बैठ पे टैक्स दे, आ रहा है समझ। इसके बाद ये तो सर अमेंडमेंट है तो इसको तो आप डेफिनेटली छोड़ नहीं सकते सर, इन्होंने क्या बोला, अगर आप गोल्ड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट और वाइस वर्सा मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अ कन्वर्शन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट इशूड बाय द वॉल्ट मैनेजर और कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट इनटू गोल्ड, सरकार इसको ट्रांसफर नहीं मानती, इसको ट्रांसफर नहीं मानती, पर बेचने जाओगे तो टैक्स है सर, गोल्ड को गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट कराओ, रिसिप्ट से गोल्ड में कन्वर्ट कराओ, सरकार बीच में ही नहीं आती, सरकार गोल्ड रिसिप्ट खरीदो तो भी बीच में नहीं आती, आप बेचने निकल जाओगे तो सरकार बीच में आ जाएगी, सरकार बोलेगी टैक्स, ठीक है। सरकार चाहती है बेचो मत सोना, आप सोने की अदला बदली करते रहो, बेचो मत बस, ठीक है। अगला देखो सर, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, याद है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स वगैरह, ये सब अगर आप गवर्नमेंट वगैरह को दे रहे हो सर, सरकार बोलती है इसको ट्रांसफर नहीं मानते, इस पे कैपिटल गेन नहीं है। उसके बाद सर अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स डिबेंचर्स रखे हो और उन्हीं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, उस कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो सरकार बोलती है उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा ऑफ दैट कंपनी। फिर उसके बाद अगला था एनी कंपनी, जहां पर हम बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट करें, एनी कंपनी, ठीक है, तो भी सरकार बोली इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये वाला पॉइंट याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट हड़बड़ी में एग्जाम में ये वाला पॉइंट भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ अ कंपनी इनटू इक्विटी शेयर, जनरली लोगों को क्या लगता है कि सर ये टैक्सेबल है, नहीं, एग्जाम में नहीं, लोग जानबूझ के क्वेश्चन भी ऐसे देते हैं कि वो एक आदमी था जो प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट किया, बाद में बेच दिया, अरे बेचेगा तो टैक्सेबिलिटी है ना, मैं कब बोला टैक्सेबिलिटी नहीं है बेचने पे, मैं बोल रहा हूँ जब कन्वर्ट करेगा तो टैक्सेबिलिटी नहीं है, बेचेगा तब टैक्सेबिलिटी है। वो क्या करते हैं, इतने चोर होते हैं कि जब वो ट्रांसफर मतलब वो कन्वर्ट करता है ना, उस टाइम के आपको फेयर मार्केट वैल्यू दे देते हैं,
अब बच्चा क्या देखता है, अरे यार ये तो फेयर मार्केट वैल्यू दी है, कुछ तो टैक्सेबिलिटी करना ही है। कई बार कुछ नहीं करना बड़ी चीज होती है, ठीक है। इसके बाद सर सीएमए वालों के लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक था, जहां पर हमने ये बोला था सर सिक इंडस्ट्री कंपनी बीमार है सर, अगर वो कोई अपनी एसेट ट्रांसफर कर रही है, सरकार बोलती है उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा सर, क्योंकि वो वैसे ही बीमार है सर। उसके बाद अगर कोई फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो सर अगर वो पूरी एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रही है, जो पहले सर क्या बोलते हैं फर्म में पार्टनर थे, वो कंपनी के क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर, और उनका कंट्रीब्यूशन जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए सर, उनको कंपनी में क्या बोलते हैं वो जो कैपिटल था उसके बदले क्या मिलना चाहिए, शेयर्स। तो सरकार बोली अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में हम ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद अगला था सर मेंबरशिप राइट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सर ये डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन ये हम बचपन में पढ़ते हैं, डीम्यूचुअलाइजेशन इसमें क्या होता है सर, जहां पर हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सरकार बोलती है इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद अगला हमने पढ़ा था सर कि अगर प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है जिसको हम एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में इन्होंने बोला सर अगर पूरी एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, शेयर होल्डर जो थे वो सेम प्रपोर्शन में एलएलपी में क्या बन जाएंगे, पार्टनर, जितना शेयर होल्डिंग उनके पास थी उतने ही कैपिटल में उनके उतना ही उनका कैपिटल रहेगा एलएलपी में, 50% से कम नहीं रहेगा, और सर ये बात ध्यान रखना है 5 इयर्स तक, और इनका सेल्स टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, मतलब ये लोग ज्यादा बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। इन द 3 फाइनेंशियल ईयर वैल्यू ऑफ एसेट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, और सर उन्होंने पिछले 3 साल में कोई भी अमाउंट किसी को पे नहीं किया, किसी पार्टनर को पे नहीं किया। अगर ये सब कंडीशन सैटिस्फाई होती है तो ये माना जाएगा सर कि अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है और कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है, तो सरकार बोलती है उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद सर अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, वो कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो सरकार बोली इसमें भी सिंपल वही बात, पहले आप एसेट लाइबिलिटी ले जाओ, फिर 50% उनकी वोटिंग पावर सेम रखना कंपनी में, और 5 साल तक इंटैक्ट रखना। अगर ये बातें सैटिस्फाई हो रही है, आप उनको सिर्फ कंपनी में क्या दोगे, शेयर्स, कैश नहीं दोगे, तो अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है तो सरकार बोलती कैपिटल एसेट अगर सोल प्रोप्राइटर से कंपनी में जा रही है तो उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद सर लेंडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटीज, ये तो जनरली सर अपन जीएसटी में पढ़ते हैं सर, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबिलिटी, याद है सर, जहां पर कोई एक लेंडर होता है जो अपनी सिक्योरिटीज लेंड करता है बोरोअर को, तो सरकार बोलती है इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते हैं, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। रिवर्स मॉर्गेज सभी के लिए था सर, चाहे सीएससीए में कोई भी हो, रिवर्स मॉर्गेज सभी के लिए। तो रिवर्स मॉर्गेज की कहानी याद है सर, याद रखना एकदम सिंपल है सर, रिवर्स मॉर्गेज है तो सिंपल सी बात, इसको ट्रांसफर मानते ही नहीं और इस पर कैपिटल गेन की बात आती ही नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद सर शेयर्स ऑफ एन एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल यूनिट टू अ बिजनेस ट्रस्ट, ये बिजनेस ट्रस्ट वाली कहानी अभी तो किसी के सिलेबस में आती नहीं है सर, भले सीएमए वालों में टॉपिक में ये दिया हुआ है, बट क्वेश्चन उनके लिए भी नहीं पूछता ये चीज, ठीक है, उसको ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये भी सीएमए वालों का है, जो म्यूचुअल फंड का बताया था सर, दो अलग अलग म्यूचुअल फंड है, दोनों म्यूचुअल फंड को मर्ज कर दिए, सरकार बोली इसको इस केस में अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर ये भी सीएमए वालों का जी, याद है अब भी बताया था कि म्यूचुअल फंड डिविडेंड वाला है, उसको बोनस वाले के साथ जाके मर्ज कर रहे हैं, तो सरकार बोलती है उस केस में अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोलते हैं सिंपल सब प्रोसेस है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल कि कैसे निकालना है सर। हम क्या करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं, लेस जो भी एक्सपेंसेस लगा हो, नेट कंसिडरेशन आता है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सर ये दोनों कॉस्ट है, बट अगर मान लो यही चीज अगर लॉन्ग टर्म हो जाता है तो इंडेक्सेशन आ जाता है सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम इंडेक्सेशन करते हैं, और करंट ईयर का इंडेक्सेशन कितना है 348, हमें याद रखना है, हमारे लिए तो एग्जाम के लिए 348 ही है सर, तो करंट ईयर का इंडेक्सेशन हम 348 याद रखेंगे सर, ठीक है। तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, फिर लेस करते हैं हम एग्जेम्पशन, अगर 54 54F कहां एग्जेम्पशन ले रहे हो, वो एग्जेम्पशंस माइनस करते हो तो हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाता है। आई बात समझ, टैक्सेबल कैपिटल गेन वाले अमाउंट पे ही टैक्स लगता है, कभी भी इस पे मत लगा के आ जाना, ठीक है, इस पे मत लगा देना, एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद जो आता है उस पे टैक्स लगता है, क्लियर हुआ। फिर लॉन्ग टर्म की कहानी, वही लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्या हो जाता है, इंडेक्सेशन वर्ड ऐड हो जाता है सर,
इसको आप ध्यान रखेंगे। मेरे हिसाब से इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्यों हो जाती है पता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब हम सैलरी पढ़े थे तो सैलरी में जब मैं आपको ये रेंट्री अकोमोडेशन पढ़ा रहा था तो रेंट्री अकोमोडेशन में मैंने आपको बताया था पहली बार इन्होंने ऐसा किया है जहां पर रेंट्री अकोमोडेशन की लिमिट को मैक्सिमम वैल्यू तक रोक दिया है, बोले इससे ज्यादा रेंट्री अकोमोडेशन टैक्सेबल नहीं हो सकता, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, वहां पर हम सीआईआई का यूज करते हैं, तो वहां के लिए इसका रिलेवेंस गजब हो जाता है सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम कोई रॉकेट साइंस टॉपिक था, वो बहुत सिंपल टॉपिक था बट रिलेवेंस है तो ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि सर 348 आएगा सर। मैं आपको बोल रहा था आप लोग पहले वाले हो, आप लोग से चांसेस कम है एग्जाम में पूछने के, क्योंकि आप फर्स्ट हो, वो चालू ही 1/4/2023 से हुआ है, तो आपके बाद वाले जो है ना नवंबर वाले उनसे चांसेस है वो चीट पूछने की, क्योंकि उनके लिए वो एक साल से ज्यादा हो चुका होगा। अभी तो आप लोग उसी साल में बैठे हो ना, तो उस साल में क्या 348/348 थोड़ी करवाएगा वहां बैठा के, इतना तो नहीं कराएगा सर, तो आप लोगों से चांसेस कम है, पूछ सकता है, ऐसा नहीं है वो जानबूझ के क्वेश्चन को एक साल पीछे ले जाके पूछना चाहे तो पूछ सकता है, बट स्टिल मेरे को लगता नहीं है पूछेगा, क्योंकि अगर एक साल पीछे लेके जाएगा ना तो जो अपन लिमिट पढ़ के आए 5, 7.5 और 10 वो गलत हो जाएगी, क्योंकि एक साल पहले की लिमिट क्या हो जाएगी, वो जो अपन पहले पढ़ते थे 7.5, 10 और 15, तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि आप लोगों के अटेम्प्ट में चांसेस कम है उसका क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आ सकता, आरटीपी में आया तो तैयार हो जाओ भाई, बट क्या बोलते हैं चांसेस कम लग रहे हैं, मेरे को बहुत कम चांसेस लगते हैं। बाकी देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका याद है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सीआईआई जिस साल हमने ट्रांसफर किया है अपॉन सीआईआई डिपेंड करता है सर, अगर 2001 के पहले या बाद में वो कहानी हो जाती है सर, वो हमें चेक करना पड़ता है, वो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी नीचे पढ़ेंगे तो कवर करेंगे सर। वही सेम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए भी बातें आती है, एसटीटी और सीटीटी अगर जो भी पे करते हैं सर वो अलाउड होता ही नहीं है सर, पीजीपी में अलाउड होता है, यहाँ अलाउड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली बात अमेंडमेंट की थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, मेरे को लगता है अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है। कैपिटल गेन का क्वेश्चन अगर बनाया, वैसे तो मई में नहीं आता है, नवंबर में आता है कैपिटल गेन का अच्छा क्वेश्चन, तो अगर बनाया तो ये इससे पॉइंट से अच्छा क्वेश्चन बना सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है, कि एक पर्सन था जिसने घर लोन पे लिया, लोन का इंटरेस्ट पे करता था और उस इंटरेस्ट की डिडक्शन को सेक्शन 24 में क्लेम किया, तो एक एक बार के लिए एग्जांपल मान लो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करता था और 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट वो सेक्शन 24 में क्लेम करता था। बात ये आती है कल जब अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घर की लेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में जितना वो इंटरेस्ट पे किया है, क्या वो 2 लाख रुपए को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों में कहीं लेंगे? नो, इन्होंने क्रिस्टल क्लियर किया, इन्होंने बोला भैया अगर तुमने 24B याद है ना सर IHP में पढ़ते हैं, ठीक है, डिडक्शन या ATEE, तुम जाके ये सब सेक्शन में अगर इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर चुके हो तो वही इंटरेस्ट को बाद में वापस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं ले सकते। अच्छा पॉइंट है, बिलीव मी अगर पूरा क्वेश्चन ना भी आया तो मेरे हिसाब से MCQ में तो गारंटेड पूरने के अच्छे चांसेस है। बहुत प्यारा पॉइंट है कि सर इंटरेस्ट जो हम क्लेम करते हैं सेक्शन 24 में ATEE में, सरकार बोलती है ये इंटरेस्ट तो भाई तू पहले ही क्लेम कर चुका है, अब तेरे को वापस क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ऐड करके क्लेम करने नहीं देंगे। अगर क्लेम करने देंगे तो आप समझो सरकार के आप डबल मजे लेके चले गए, एक बार इंटरेस्ट क्लेम कर लिए वहां पर फिर यहां पर मजे ले रहे हो, तो आप सरकार के डबल टैक्स कम कर दोगे, बहुत टैक्स कम कर दोगे आप। आई बात समझ? मेरे को ये पॉइंट अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से इस पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए, अच्छा पॉइंट है, एमसीक्यू में आने के बेहद चांसेस, पूरा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा इससे, एमसीक्यू में आने के बेहद चांसेस। क्लियर हुआ? इसके बाद सर हमने बोला था सर कुछ केसेस है जहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, हमने बोला सर बॉन्ड्स और डिबेंचर में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, पर सरकार ने बोला 2 केसेस एक्सेप्शन है इसके, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। याद रखना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं सर अगर आप बाय रिडम्पशन है तो सेक्शन 47 के अंदर ट्रांसफर ही नहीं मानते, पर अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बेचने चले गए हो तो सरकार बोलती ट्रांसफर भी है, कैपिटल गेन भी लगेगा और इंडेक्सेशन भी होगा। ध्यान रहेगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, याद है अभी हम पढ़े सर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिबेंचर, मार्केट ये मार्केट होगा, मार्केट लिंक डिबेंचर, इनको हम शॉर्ट टर्म ही मानते हैं, याद है ना सर अभी तो पढ़े ना सर, इनको शॉर्ट टर्म ही मानते हैं, इनमें कोई इंडेक्सेशन वाली बात ही नहीं है सर, ध्यान रखना एमसीक्यू में आएगा। बड़ा क्वेश्चन क्या ही है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, अभी तो नया नया बड़ा क्वेश्चन कैसे दे देगा आपको, एमसीक्यू में जरूर दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद हमने कुछ और छोटी छोटी बातें पढ़ी थी सर, ये बहुत छोटी सी बात थी बट रिलेवेंस रखती है सर, कि मान लो अगर कोई पर्सन है
जब कोई किसी कंपनी के शेयर्स कुछ खरीदा है और सर वहां पर क्या हुआ कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण उसका गेन आ जा रहा है, तो सरकार बोली अगर उसका फॉरेन करेंसी इंक्रीज होने के कारण गेन आ रहा है तो सरकार बोली उससे हम टैक्स नहीं लेंगे सर। मतलब अगर मान लो कोई शेयर लिया था जो 100 रुपए का था, वो आज भी 100 का ही है जब बेच रहा है, बट सर डॉलर जब लिया था तब 80 था, अब डॉलर हो गया 85, तो सर डॉलर का बढ़ने के कारण उसका गेन आ गया, तो सरकार बोली वो गेन टैक्सेबल नहीं होगा। ये हम पढ़े थे सर, शैल बी इग्नोर्ड, ये आपको याद रखना सर आपका CII, ठीक है, 348। नॉन रेसिडेंट वाला मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा सर, मेरे हिसाब से ये नॉन रेसिडेंट तो ठीक है आप थियोरेटिकली इसको पढ़ लो, बट मेरे हिसाब से इसका जो क्वेश्चन है ना हमारी बुक में उसको जरूर एक सॉल्व करके जाना, एक क्वेश्चन है हमारी बुक में तो आप उसको अगर सॉल्व करके जाओगे ना तो फायदा ये रहेगा सर कि आपका दिमाग वहां पर चलेगा, आप एकदम इसको ऐसी थियोरिटिकल जैसे पढ़ के चल जाओगे ना तो वहां पर इशू आ जाएगा आपको, ठीक है, इसलिए इसका एक क्वेश्चन देख के जाना चाहिए। हमने क्या बोला सर, अगर नॉन रेसिडेंट कोई नॉन रेसिडेंट अगर सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं सर, उसको कन्वर्ट करते सर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो भी एवरेज रेट लिया जाता है सर, एवरेज एक्सचेंज रेट। एवरेज कैसे लिया जाता है, टेलीग्राफिक बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, दोनों का एक्सचेंज क्या बोलते हैं एवरेज लिया जाता है सर। ये इसका क्वेश्चन जरूर करके जाना, नहीं करके जाओगे तो बनना मुश्किल है वहां पर, आप कंफ्यूज हो सकते हो सर। एक्सपेंसेस भी जो लिया जाता है, लेस जो हम एक्सपेंसेस करते हैं वो एक्सपेंसेस भी सर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जो एक्सचेंज रेट है एवरेज वो लिया जाता है सर। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिंपल जितने में खरीदा इनटू उसका भी सर टेलीग्राफिंग बाइंग और क्लोजिंग रेट का क्या बोलते हैं एवरेज किया जाता है और एवरेज करके लिया जाता है। बट इसमें याद रखना जब परचेस किए थे ना सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन परचेस किए थे उस दिन का लिया जाएगा सर एवरेज एक्सचेंज रेट, इंडेक्सेशन तो होता ही नहीं है सर, इंडेक्सेशन की कहानी तो जन्मों से बंद हो चुकी है सर। फिर रिजल्टिंग कैपिटल गेन जो भी आएगा उसको सर आप बाइंग रेट से कन्वर्ट करोगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। इसका क्वेश्चन देख के जाना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने अच्छा फिर ये कुछ एक छोटी सी बात और भी थी कि जितने बार री इन्वेस्ट करके री ट्रांसफर करोगे हर बार ये प्रोविजन अप्लाई होगा और हर बार इसी तरीके से कैपिटल गेन कंप्यूट होगा सर। उसके बाद सेक्शन 55 पढ़े थे सर, हमने बोला था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर अगर 1/4/2001 के बाद है तो लड़ ही क्यों रहे हो, जितनी कॉस्ट है वही कॉस्ट है सर। बट सर जब लड़ाई तब है सर जब 1/4/2001 के पहले, जब पहले है तो हम कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में व्हिचएवर इज हायर लेते हैं सर। अब वो जो हायर आता है उसको कंपेयर करते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से सर, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकता सर, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं देगा तो जबरदस्ती खुद खोज के मत बना देना कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं दिया हम बनाएंगे सर, नहीं दिया तो इग्नोर कर देना, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं सर, कई बार देता है कई बार नहीं देता है, वो उनकी इच्छा है सर, ठीक है। और याद रखना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1/4/2001 की देखना, आगे पीछे की देगा तो मत देखना, ऐसा नहीं कि आप बोले थे सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिखेगी ले लेंगे, अबे कभी भी की थोड़ी ले लोगे, 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू और 1/4/2001 की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए तो और सिंपल कहानी है सर, अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर ऑन एंड आफ्टर 1/4/2001 है तो आप आराम से कंसिडर करो, बट उससे पहले की होगी तो इग्नोर कर देते हैं, आई बात समझ। इसके बाद सर कॉस्ट विद रेफरेंस टू सर्टन मोड ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी सर, मैंने आपको इसमें एक बहुत सिंपल सी बात बताई थी, सेक्शन 49 ये बोलता है कि ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन जो सेक्शन 47 में कवर हुए हैं उन सब ट्रांजेक्शन को आप ट्रांसफर नहीं मानते हो तो उस पर कैपिटल गेन लगता नहीं है, तो उन सब केसेस में जो कॉस्ट टू द प्रीवियस रहेगा ओनर, जो प्रीवियस कॉस्ट रहेगी वो प्रीवियस कॉस्ट लोगे और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस की लोगे सर। याद है ना गिफ्ट विल वाला, वो गिफ्ट वाला तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, पार्शियल पार्टीशन वाला क्वेश्चन बहुत आता है, अमालगमेटेड वाला एक बार आया हुआ है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर, आई बात समझ, बैठा दिमाग में। इसके बाद इसको इतना ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये वाला पॉइंट याद रखेंगे सर अमेंडमेंट वाला है, तो ये तो मैंने अब भी आपको बताया, याद है ना सर जहां पर मैंने क्या बोला था, गोल्ड को अपन ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप में कन्वर्ट किया, तो सर कॉस्ट हम किसकी लेंगे, गोल्ड की, इसकी कॉस्ट लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी इसकी लेंगे। फिर कल के दिन सर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप खरीदा है परचेस किया है और उसको वो आपने किस में कन्वर्ट कर रहे हो, गोल्ड में, तो सरकार बोली इसकी कॉस्ट लेंगे और इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे, आप कल के दिन जब गोल्ड बेचने जाओगे तो
बेचने जाओगे तभी तो मतलब है ना, अगर बेचोगे नहीं तो मैं लड़ाई क्यों कर रहा हूँ ये कॉस्ट ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग की, लड़ाई तो तभी है ना जब बेचने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बेचने के टाइम ही तो टैक्सेबिलिटी निकालना है। उसके बाद आगे आ जाओ, हाँ इसके बाद हमने बोला था सर कैपिटल एसेट, जहां पर इनटेंजिबल एसेट्स की बातें होने स्टार्ट हुई थी सर, जहां पर हमने बोला था गुडविल का रिलेवेंस बहुत बन गया सर, क्योंकि जब से हमने उसको पीजीईपी से बाहर किया है तब से गुडविल यहां पर आ गया सर। तो सर गुडविल चाहे बिजनेस की हो या प्रोफेशन की हो, सेल्फ जनरेटेड है तो निल, और अगर परचेस किया होगा तो परचेस प्राइस, ठीक। अच्छा इसमें खास बात याद रखना सर, अगर कोई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा सेंटेंस दे सकता, अभी तक दिया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दिया, मैं होता तो दे देता कि सर अगर गुडविल की वैल्यू प्रीवियस ईयर 1920 तक कितनी थी, 2021 में उसमें इतना डेप्रिसिएशन लगा है, 2021-22 की इतनी वैल्यू बची है उसकी, फिर मैं चेक करता बच्चा गुडविल के लिए कौन सी वैल्यू लेता है, क्योंकि हमने ये सीखा था सर प्रीवियस ईयर 1920 तक लास्ट है गुडविल पे डेप्रिसिएशन, उसके बाद डेप्रिसिएशन की बात आई नहीं है गुडविल में। तो स्टूडेंट को मैं जबरदस्त तरीके से चेक कर सकता हूँ कि गुडविल में वो कौन सी वैल्यू लेता है, बहुत गजब चेक कर सकता हूँ मैं उसको, और अच्छा खासा घुमा सकता हूँ मैं गुडविल के पॉइंट पे, बहुत गजब, क्योंकि आप समझो ना सर बहुत जबरदस्त चीज है ये, क्योंकि गुडविल में डेप्रिसिएशन लास्ट 1920 तक लगा, तो 1920 को जो लास्ट WDV निकली होगी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो फाइनल होगी, उसके बाद उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको हम एसेट और ब्लॉक ऑफ एसेट की कैटेगरी से बाहर निकाले थे और उसको हम कैपिटल गेन हेड में डाल दिए थे सर। आई बात समझ, ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं घुमाया है इसमें, बट घुमाने के बहुत स्कोप है सर, मेरे को तो लगता है गुडविल में बहुत गजब स्कोप है, और ये तो अमेंडमेंट का पार्ट भी हुआ है, तो और चांसेस है कि घुमाएं आपको। इसके बाद इन्होंने क्या बोला देखो, और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ बिजनेस, और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट्स मतलब अब तो और भी है ना सर, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब भी तो है सर। सर इन सब के लिए अगर सेल जनरेटेड है तो निल, और अगर सर परचेस क्या होगा तो परचेस प्राइस, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती ही नहीं है सर, होती ही नहीं है, कैसे होगी सर गुडविल की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती, कुछ लगी नहीं सकती सर। उसके बाद सर ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज, परमिट, लूम आवर्स, सेल जनरेटेड, निल, परचेस किया, परचेस प्राइस, इनका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले का रहा तो इग्नोर, 1/4/2001 के बाद का रहा तो कंसिडर करेंगे सर। आई बात समझ, ये देखो गुडविल वाला पॉइंट मैंने नीचे दिया है सर, मैं आप लोगों का ध्यान रखता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसलिए ध्यान दिया था, मेरे को याद है, मेरे को पता है स्टूडेंट इस जगह बहुत गंदा फंस सकते हैं एग्जाम में, अभी तक इंस्टीट्यूट ने इस पॉइंट को टच नहीं किया, अभी तक जब से आया समझो तब से टच नहीं हुआ, ये आया है फाइनेंस एक्ट 21 में आया है सर, 22 हो गया, 23 आप पढ़ रहे हो सर फाइनेंस एक्ट, अभी तक टच नहीं है पॉइंट, कभी ना कभी तो ये पॉइंट गजब तरीके से टच होगा सर, ठीक है। अगला है बोनस शेयर, ये तो और आसान है सर, बोनस शेयर अगर 1/4/2001 के पहले है तो सर जितने में आपने खरीदा वही कॉस्ट है उसकी, 1/4/2001 के बाद है तो बोनस शेयर की कॉस्ट तो निल होती है सर, पर सर सरकार ने ये बोला कि बोनस शेयर्स अगर 1 फरवरी 2018 के पहले का हो, बेचा बाद में हो, तो फिर कचर कचर है, सीरियसली कचर कचर है, फिर आपको मेहनत करना है सर, ये मेहनत करने से पहले एग्जाम में एक वर्ड ध्यान देना सर कि एसटीटी पेड है कि नहीं, क्योंकि अगर एसटीटी पेड नहीं है तो अभी भी बोनस शेयर की कॉस्ट निल है, फिर मेहनत ही क्यों कर रही है, ये वाली मेहनत करना ही नहीं है अगर एसटीटी पेड नहीं है तो, ये चीज का ध्यान रखना, ये भूल जाते हैं बच्चे, ये बच्चे भूल जाते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है सर। अगर बोनस शेयर 1 फरवरी 2018 के पहले का है तो सर पहले ये चेक करो, ठीक है 1 फरवरी 2018 के पहले का है मान लिया, पर पहले ये तो चेक कर मेरे बाप कि उसमें एसटीटी पे हुआ है कि नहीं, अगर एसटीटी पे नहीं हुआ है तो बोनस शेयर की कॉस्ट निल, कुछ कर ही मत, चुपचाप निल हो जाएगा, जितने में सेल किया उतना पूरा सेल कंसीडरेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन, पर अगर उसमें एसटीटी पे हुआ है तो उस केस में तेको बोनस शेयर के लिए मेहनत करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट निकालने के लिए। फिर बात आती है स्टेप वन, जितनी उसकी कॉस्ट थी, स्टेप टू फेयर मार्केट वैल्यू देखो सर 31 जनवरी 2018 की, और सेल कंसीडरेशन देखना, पहले तो इन दोनों में विच एवर इज लोअर, फिर ये जो आएगा उसको किससे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, दोनों में विच एवर इज हायर। अच्छा एक और हिंट देता हूँ, कभी अगर क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ 31 जनवरी 2018 की तो समझ लेना कुछ झोलझाल है, ये हिंट होती है एग्जामिनर की, अगर वो दे रहे हैं ना फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 की तो समझना कुछ झोल है, वो बेवकूफ थोड़ी जबरदस्ती थोड़ी देखो पागल है,
दे भी सकता फिर भी फिर भी अपन सर चेक करेंगे, क्योंकि जैसे वो 31 जनवरी, सॉरी ये मार्च नहीं है, 31 जनवरी 2018 की देगा, आप तुरंत के तुरंत क्या करना सर, चेक करना कि बोनस शेयर कब मिला। खरीदना मत, खरीदी नहीं होती बोनस शेयर, बोनस शेयर मिलता है तो चेक करना बोनस शेयर कब मिला, क्योंकि वो डेट का रिलेवेंस बन जाएगा सर। हाँ, अगर बोनस शेयर 1 फरवरी 2018 के बाद का, फिर लड़ क्यों रहे हो, फिर तो लड़ाई खत्म हो गई सर, फिर हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं, वो तो लड़ाई तब है जब बिफोर का है। आई बात समझ, प्लीज इसका ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसके कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। राइट शेयर याद है सर, कंपनी आपको राइट देती है सर। अब दो बातें, या तो राइट आप अवेल कर लो या तो राइट बेच दो किसी और को। सर अगर आप राइट अवेल कर लेते हो तो सिंपल सी बात है सर, जब आप खरीदे राइट शेयर खरीदे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, कल के दिन आप वही राइट किसी और को बेच दिए सर। तो सर सरकार बोलती है अगर आप राइट बेच रहे हो तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती सर, शॉर्ट टर्म होता है सर, जितने में बेचे राइट पूरा का पूरा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल की है। आई बात समझ। इसके बाद ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद आओ सर, कैपिटल गेन इन स्पेशल केसेस, इन केस ऑफ डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, याद है ये प्रीवियस ईयर के 3 एक्सेप्शंस पढ़ते थे, जहां पर सर कैपिटल एसेट ट्रांसफर तो कभी और हो गई है, पैसा जब मिलेगा ना सर तब टैक्सेबिलिटी की बात आएगी, जब तक पैसा नहीं मिलता ना सर टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं है सर, भले ही आपके एसेट कब ट्रांसफर हुई है घंटा फर्क पड़ता है इससे, याद है सर। सबसे पहला होता था डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, बहुत सारे रीजन थे सर आपके कैपिटल एसेट डैमेज और डिस्ट्रक्शन के, फ्लड टाइफन हरिकेन साइक्लोन अर्थक्वेक। एक बार पता नहीं इंस्टीट्यूट बड़े मजे में थी, पता नहीं इतना मजा आ रहा था उनको, ये लिख दी कि सिविल डिस्टरबेंस के कारण आपकी एसेट डिस्ट्रॉय हो गई। अब क्या होता है एग्जाम की हड़बड़ी में ना कई बार स्टूडेंट को ये क्लिक नहीं करता है कि सिविल डिस्टरबेंस भी कवर्ड था, ऐसा नहीं है कि कोई गलत था या कुछ गलत पूछी, पूछी नॉर्मल थी बट वो एक पॉइंट को उठा के पूरा क्वेश्चन बना दी थी, तो बच्चे सोच रहे हैं ये सिविल डिस्टरबेंस कहां से आ गया, भाई इनकम टैक्स पढ़ने या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिविल डिस्टरबेंस। तो जिनको जिनको क्लिक किया कि नहीं भैया वो पढ़े अपन वो केसेस जहां पर कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो सकती है सर, तो वो सब केसेस कवर हो गए थे सर, ठीक है ध्यान रखना सर। तो अगर इन सब रीजन से, ये जितने भी है ये सब रीजन से अगर आपकी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय होती है, तो सरकार बोलती है इस केस में अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है तो सरकार बोलती है फिर हम टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। तो एक आदमी बोला मैंने इंश्योरेंस ही नहीं कराया, सरकार बोली फिर तू आ ही क्यों रहा है हमारे पास बेवकूफ, जब इंश्योरेंस ही नहीं है तो तेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा है तो टैक्सेबिलिटी क्यों आएगी, पैसा आएगा तो टैक्सेबिलिटी आएगी ना। तो इंश्योरेंस कंपनी से अगर तेरे को एसेट मिलती है या तो पैसा मिलता है या दोनों मिलता है तो वो हो गया तेरा सेल कंसिडरेशन लेस जो भी एक्सपेंसिस लगाओ। फिर बात आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने की तेरी एसेट्स थी। अब जब बात आती है इसके इंडेक्सेशन करने की, तो यहां पर ध्यान रखना कि इंडेक्सेशन तभी तक होगा जब तक वो एसेट डिस्ट्रॉय हो रही है, तब तक इंडेक्सेशन मत कर देना जब तक वो एसेट का पैसा मिल रहा है। हो सकता है एसेट का पैसा 23-24 में मिल रहा हो, प्रीवियस ईयर 23-24 में पैसा मिल रहा हो, बट एसेट डिस्ट्रॉय 21-22 में हो गई हो, क्या पता थोड़ी तो इंश्योरेंस का पैसा तुरंत मिल जाता है सर। तो याद रखना इंडेक्सेशन 21-22 तक ही करेंगे हम, 23-24 में आके इंडेक्सेशन मत कर देना, सीआईआई मत ले लेना, बहुत बड़ा पंगा, इसमें गलती एक ही जगह हो सकती है सीआईआई में, और कहीं गलती होने के स्कोप ही नहीं है सर। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में, सीआईआई एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ये याद रखना, बट कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल एट द प्रीवियस ईयर व्हेन मनी इज रिसीव्ड और एसेट इज रिसीव्ड, ध्यान रखना लिख के आना एग्जाम में, बोलना मत सालो, ठीक है। उसके बाद सर ये डिपॉजिटरी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, ये आप छोड़ सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम्स के लिए, ये सीएमए वालों के कुछ टॉपिक होते हैं सर, जहां पर कोई अगर पार्टनर है या मेंबर है फर्म या एओपी बीओआई का, वो अपनी एसेट ट्रांसफर करता है पार्टनरशिप फर्म को, ये तो बड़ी प्यारी चीज लगती है मेरे को, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में, मस्त है ये। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को अपनी एसेट ट्रांसफर कर रहा है तो जिस वैल्यू पे पार्टनरशिप फर्म अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी वो वैल्यू सेल कंसीडरेशन। तो पार्टनरशिप फर्म मान लो अगर 1 रुपए में एसेट को रिकॉर्ड करी तो 1 रुपए सेल कंसीडरेशन, तो एक बार तो आपका लॉस आ जाएगा क्योंकि एसेट 10 लाख की 1 रुपए में रिकॉर्ड हुई है सेल, तो
9,99,999 पूरा लॉस। फिर कल के दिन जब वो पार्टनरशिप फर्म वही एसेट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी वो सेल कंसीडरेशन ले ली जाएगी। सरकार बोली इधर नहीं तो इधर बराबर कर दिए। और दूसरी बात ये कि तू तो बुक्स में कितनी कॉस्ट रिकॉर्ड किया है, 1 रुपए, तो इस बार कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 1। बहुत गजब है ये, बहुत प्यारा, मतलब इतनी जबरदस्त टैक्स प्लानिंग को रोके इसमें, तो गजब है। ठीक है, उसके बाद ये सभी के लिए था सर कंपलसरी एक्विजिशन, याद है सर, जहां पर कोई बहुत अच्छे से बताया था ये कोर्ट वाला मैटर, कि जहां पर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाती है आपके एसेट्स का, फिर हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और पैसा दे दो, भीख मांगते हैं, ओरिजिनल कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन की कॉस्ट नहीं होती है सर। फिर हम इतने में भी नहीं रुकते हैं, हम कोर्ट को बोलते हैं हमें पता है आपके डिसीजन जल्दी नहीं आते हैं, आप प्लीज फाइनल डिसीजन तक हम वेट नहीं करेंगे, इंटरिम ऑर्डर करके पैसा दे दो। फिर वो इंटरिम ऑर्डर से पैसा दे देते हैं, बट टैक्सेबिलिटी कब आती है, जब फाइनल ऑर्डर पास होगा सर। जब तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं होता टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। फिर हम इससे भी डबल लालची रहते हैं, याद करो फिर मैं बोला था इंटरेस्ट के लिए भीख मांगने चल जाता है, इंटरेस्ट तो दे दो कम से कम, पैसा लेट दे रहे हो तो। सरकार बोली ये भी ले जा। फिर हम बोलते हैं ये इंटरेस्ट के लिए भी तो 4 बार कोर्ट आना पड़ा, तो इसका भी एक्सपेंस होता था, याद आया 50% एक्सपेंस क्लेम करते थे, और ये इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी आईयूएस में थी। ठीक है, इसके भी जो सीआईआई लोग हैं, याद रखना टू द डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, जिस दिन वो कंपलसरी एक्वायर हो रही है, हो सकता है पैसा सर 5 साल बाद हो, मेरे को क्या पता, पैसा तो कभी भी हो सकता है सर, सरकारी है, पैसा तुरंत तो मिलेगा नहीं सर, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, सरकार है, आ रहा है समझ, बैठा ना दिमाग में। ठीक है, उसके बाद याद है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, सरकार बोलती थी शहर में तेरा एग्रीकल्चर लैंड, अगर इसको हमने कंपलसरी एक्वायर किया है और इससे पहले तू 2 साल इस पे खेती करता था, और अगर तू इंडिविजुअल एचईएफ की कैटेगरी पे, सरकार बोली जा एग्जेम्प्ट है। आए बात समझ, ये पहला केस होता है सर जहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, नहीं तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल है सर, ये इकलौता केस है जहां पर एग्जेम्प्शन आती है सर। ठीक है, फिर लैंड पुलिंग स्कीम आंध्र में चली थी सर, ये लैंड पुलिंग स्कीम, सरकार बोली इसमें भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया था, ठीक है, तो वहां पर भी टैक्स एग्जेम्प्ट किया था इन्होंने। याद है ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, वो हवा में मेरा घर है, बिल्डर आया पॉश एरिया में मेरा घर था, बिल्डर बोला वो देख 6th फ्लोर में तेरा घर, अभी जमीन तो दे पहले, तो वो मैं उसको जमीन दिया, जमीन के बदले मेरे को कैश में पैसा दिया, वो 6th फ्लोर में मेरा घर, वो 6th फ्लोर का जब घर बन जाएगा मेरा, याद आया, तो सर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जी, ठीक है, तो सर उस केस में कल के दिन जब हम वो हमारा घर रहता है जो बन जाता है और जो हमारी जमीन का हमें पैसा मिल गया, कल के दिन जब मैं उसको बेचने जाता हूँ, घर को बेचने जाता हूँ, तो सर मान लो मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल भी दिया था जब क्लासेस में पढ़ा रहा था, उसका क्वेश्चन भी किए कि सर जमीन का आपको मान लो 1 करोड़ मिला, घर 2 करोड़ का हुआ, ठीक है, और जब कल के दिन आप बेचने गए घर को तो 5 करोड़ में बेचे, एग्जाम्पल ले रहे 5 करोड़ में बेचे, तो बात ये थी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, लड़ाई उस पे थी, मैंने आपको बोला लॉजिकली सोचोगे तो 2 सूझेगा, बट इनकम टैक्स के हिसाब से पढ़ोगे तो इनकम टैक्स ने बोला था नहीं भैया आपको फुल वैल्यू लेना है, और फुल वैल्यू कितनी है सर 2 करोड़ घर का और 1 करोड़ जमीन का, 3 करोड़ लेना है सर अपन को, याद आई बात, ये बहुत सिंपल, ऐसा नहीं है कोई एकदम हाईफाई प्रोविजन था, हाईफाई नहीं था, मन के इंट्यूशन से 3 नहीं आता है, मन के इंट्यूशन से 2 ही आएगा, आप जितने बार भी बैठ के सोचोगे 2 ही आएगा दिल से आवाज, कभी दिल को साइड कर देना, इनकम टैक्स को पकड़ लेना, ठीक है, आया समझ, बैठे है दिमाग में। अगला देखो, कैपिटल गेन ऑन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी लिक्विडेशन, प्लीज इसका ना एक जो 2 क्वेश्चन है अपन जो किए उसको अच्छे से करके जाना, लिक्विडेशन के केस में मैं बता रहा हूं आप सब कुछ कर लोगे, बस एक जगह गड़बड़ कर जाओगे, लिक्विडेशन का केस का अपन कंपटीशन ऐसे किए थे सर, देखो कंपनी के हाथ में तो ट्रांसफर भी मानते हैं, बात ही छोड़ दो, तो मरा कौन, शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर के हाथ में आप कैपिटल गेन निकालते हो, तो शेयर होल्डर को बोलते हो पहले तू बता तेरे को कितना पैसा मिला, वो बोला ना ना पैसा क्या एसेट भी मिली, सरकार बोली गधे जो जो मिला सब बता, एसेट पैसा सब बता, सबको ऐड करके हम यहां पर लेंगे, ठीक है, लेस अगर कुछ क्या होगा डीम डिविडेंड, ये जो डीम डिविडेंड वाला पॉइंट है ना ये आप भूल जाओगे एग्जाम में, ये आप भूल जाओगे, नेचुरल है भूल जाओगे, आपको क्या एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड,
ना ना ना, एक सेकेंड, नालायको अरे नालायको, जब तक बैठ के एक सेकंड पढ़ लो, जब बोला तो हो गया सब कुछ याद, पूछो कुछ भी। वही तो सीरियस से याद आया, मैं सोचा भी था कल आप लोग को मैसेज करने के लिए, फिर मैं सोचा कल क्यों मैसेज करें, लाइव बताएंगे लाइव। एक आंटी है, आंटी ही बोला जाएगा, एट द एज ऑफ 54 कल उन्होंने मेरे से टैक्स का लेक्चर परचेस किया, और आपको चाहिए तो मैं उनका नंबर दे देता हूँ, आप बात कर लो। कर्नाटका की है मैम, एट द एज ऑफ 54। मैंने उनसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा, मैम एट द एज ऑफ 54 अब सी आपको लगे लेट हो गए? बोले सर इट वॉज वन ऑफ माई ड्रीम विच आई कुडंट फॉलो एट दैट टाइम, कुछ भी उनके फैमिली रीजन इशूज होंगे तो फॉलो नहीं कर पाए। बोले सर अब मैं दुनिया की हर जिम्मेदारी से फ्री हो चुकी हूँ, अब मुझे अपने लिए अपनी ड्रीम्स के लिए जीना है। wow. आप देखो डिटर्मिनेशन देखो एक इंसान का, एट द एज ऑफ 54 देखो पास फेल मेरे को नहीं पता क्या होगा क्या होगा, वो तो समय ही बताएगा पास फेल जो भी होगा जैसा भी होगा, बट उस लेडी का डिटर्मिनेशन बहुत बड़ी चीज है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक बार दूसरी बार में कोई चीज नहीं सोच पाते, वो तो एट द एज ऑफ 54 वो चीज सोच भी रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सोचना भी बहुत बड़ी बात है। मेरे को तो बहुत बड़ी चीज लगती है, सबका अपना अपना है, बट मेरे को तो बहुत बड़ी चीज लगती है। एक मैम का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं और मेरी बेटी हम दोनों आपके सीएस एग्जीक्यूटिव का लेक्चर देखते हैं। मैं बोला बेटी देखती है वो तो समझ आया, आप क्यों देखते हो? तो बोले सर हम साथ में सीएस एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं। मैं बोला वाओ वेरी नाइस। तो मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा रीजन नहीं है कि मैं आप लोगों को उस सिचुएशन तक सोच रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, देखो इंसान के अंदर चाह की देर है, एज इज जस्ट अ नंबर। इंसान के अंदर इच्छा होना चाहिए पढ़ने की, इफ यू हैव द डिटर्मिनेशन, अगर आपके मन में है कि नहीं यार पढ़ना ही है, जैसे भी हो आगे पीछे हो कुछ भी ऊपर नीचे हो, बट पढ़ना है मीन्स पढ़ना है, तो चीजें हो सकती है। मैं तो वो लेडी का सुना तो मैं दो मिनट तक समझ ही नहीं पाया कि उनको बोलूं तो बोलूं क्या। वो बोले कि सर इफ आई हैव सम डाउट, आई नो आई मैं बहुत साल हो गया, पूरा इंग्लिश में बोले मैम कि बहुत साल हो गया मेरे को पढ़े हुए, तो हो सकता है सर कि मैं बहुत सारी चीजें भूल चुकी हूँ, इस चीज के टच पे भी नहीं हूँ, हो सकता है मेरे कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा हिले हुए हो सर, तो मैं अगर आपको थोड़ा ज्यादा डाउट्स वगैरह या कुछ पूछूंगी तो आप परेशान तो नहीं होगे? मैं बोला नहीं मैम, आप जिस एज पे ये ट्राई करने की भी सोच रहे हो ना, ये जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि इस एज में तो मैम सोचना भी बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है सोचना भी। मैं बोला हम तो सोचने से भी पहले 10 बार, मैं बोला मैम मैं तो एट द एज ऑफ 32 हूँ जिसमें सीएस प्रोफेशनल का लास्ट बचा हुआ है, स्टिल आई एम थिंकिंग कि टाइम कब मिलेगा उसको कर लूं, आप 54 की एज में ये तो करने की सोच भी रहे हो बहुत बड़ी बात है। तो मुद्दा रिजल्ट ये है, कंक्लूजन ये है कि सर आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, चाह होना चाहिए कुछ करने की, जरूर हो सकता है सर, रिजल्ट लेट आएगा बट आएगा, ठीक है। चलो हाँ मारेगी मैडम तेरे को। चलो ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट का पहचान कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया होगा और उसका कितना परसेंट शेयर है ये बताया होगा, जब आपको क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया रहे और उसका कितना परसेंट शेयर है ये बताए, तो समझ जाना कि सर हमें डीम डिविडेंड का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ये ध्यान रखना। बट ये भी याद रखना
कि जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं उन रिजर्व्स में से पहले जो हमारी लाइबिलिटीज है उसको पहले एडजस्ट करना, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है, प्रपोज डिविडेंड हो सकता है, मेरे को क्या पता क्या देगा, कुछ भी डाल सकता है वो। जो लाइबिलिटी लिक्विडेशन, कंपनी बंद हो रही है तो बंद हो रही है तो सब चीज सेटल नहीं करोगे क्या? सब सेटल करके हिसाब कट्टस करोगे और सबको भगाओगे इधर उधर? तो वो करने के लिए आपको लाइबिलिटीज एडजस्ट करना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखना। यही एक पॉइंट है जो मेरे को लगता है आप भूल सकते हो, इसी का ट्रीटमेंट गलत कर सकते हो, बाकी कोई ट्रीटमेंट गलत नहीं होंगे सर, यही एक ट्रीटमेंट है जो गलत हो सकता है। आई मेरी बात समझ, ध्यान रखना। तो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आएगा लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्सेशन, वो डिपेंड करेगा सर, ठीक है? तो हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। क्लियर हुआ? परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, उस शेयर होल्डर, वो जो शेयर होल्डर होगा उसका कितना परसेंट शेयर है कंपनी में, इससे पता चलेगा रिजर्व एंड सरप्लस से कि उसका डीम डिविडेंड की बात है। जैसे मान लो वो शेयर होल्डर, एक एग्जांपल है कि 10% वो शेयर होल्डर क्या रखता है, शेयरिंग है उसकी कंपनी में, 10% की शेयर होल्डिंग है उसकी, और आपको रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख दिया है, तो 1 लाख रुपए चुपचाप प्यार से डीम डिविडेंड माइनस कर देना। समझ आई बात? ये चीज का ध्यान रखना, ये नहीं आएगा, ये एग्जाम में क्लिक नहीं करेगा, ये आपको सोचना होगा, ये ही नहीं क्लिक करेगा आपको, ठीक है? इसके बाद कहां थे अपन, ठीक है, आगे देखो सर। कैपिटल गेन ऑन परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, बायबैक याद है सर, हमने बोला था सर बायबैक अगर कंपनी डोमेस्टिक कंपनी अगर बायबैक कर रही है तो कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी है, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है, और कंपनी के हाथ में 23.296% से टैक्सेबिलिटी आ जाती है। सर अगर डोमेस्टिक कंपनी के अलावा कोई और बायबैक कर रहा है तो सरकार बोलती है कंपनी को छोड़ शेयर होल्डर को पकड़, ठीक है? और अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है तो भी सरकार ने बोला था सर कंपनी को छोड़ देंगे, हम किसको पकड़ेंगे, शेयर होल्डर्स को पकड़ेंगे सर। आई बात समझ? फिर सर ये डेप्रिशिएबल एसेट के केस में कैपिटल गेन कैसे निकलता है, ये हम पीजीपी में बहुत अच्छे से सीखते हैं सर। उसके बाद बात आती है स्लम सेल की, सेक्शन 50B, इसका हम कंप्यूटेशन बहुत अच्छे से सीखे थे, इसका प्रॉपर फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका भी सीखे थे और मैं आपको लिखवाया भी था सर वो फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका, दैट हैज अ ग्रेट रिलेवेंस सर, ठीक है? यहाँ पर जब आप कैपिटल गेन निकालोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्या कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में, देखो पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बीइंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये जब फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लोगे तब आप फेयर मार्केट वैल्यू लोगे, पर जब आप नेटवर्थ निकालोगे ना सर तब फेयर मार्केट वैल्यू मत ले लेना, ये गलती हो जाती है। वो आपको एग्जाम में दोनों देगा सर, वो आपको जानबूझ के बुक वैल्यू भी देगा फेयर मार्केट वैल्यू भी देगा, और उसी में वो चेक करेगा कितने बच्चे क्या सही ट्रीटमेंट कर रहे नहीं कर रहे। तो अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन निकालोगे तब आप फेयर मार्केट वैल्यू लोगे, बट जब नेटवर्थ निकालोगे तो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लोगे, ठीक है? लेस एक्सपेंडिचर नेटवर्थ, फिर नेटवर्थ हम निकालते हैं सर पूरी एसेट्स वगैरह लेते हैं सर, लेस करते लाइबिलिटी तो हमारी नेटवर्थ आ जाती है। रिवैल्यूएशन को तो इग्नोर कर देते सर, रिवैल्यूएशन तो कभी लिया ही नहीं जाता सर, ठीक है? पूरे इनकम टैक्स के लिए रिवैल्यूएशन इग्नोर है सर, ठीक? ये नया था, यही तो नया है अमेंडमेंट। अब इसका भी क्वेश्चन आया नहीं है, मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन कोई रॉकेट साइंस होगा नहीं, क्योंकि आप समझो इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो है नहीं, इसको हम हमेशा शॉर्ट टर्म मान के चलते हैं, तो इसका क्वेश्चन बना भी लेगा तो क्या होगा सर? नाम से थोड़ा कंफ्यूज मत होना, नाम ध्यान रखना सर। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड इशूड ऑन एंड आफ्टर 1/4/2023 और सर मार्केट लिंक डिबेंचर, अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये दोनों चीज का कैपिटल गेन निकालना बहुत आसान है, सिंपल। सेल कंसीडरेशन लेस जितना भी एक्सपेंस होगा, नेट सेल कंसीडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन तो होना ही नहीं है, तो ये तो और इजी होगा। इसका क्वेश्चन 2 मार्क्स में आराम से आ सकता है सर, नया प्रोविजन है वो चेक कर सकता है कितने बच्चों को ये आता है नहीं आता है सर, ठीक है? एमसीक्यू में आ सकता है या क्वेश्चन कैसे भी वो बना के दे सकते हैं, भाई नया पेपर पैटर्न होगा तो लेट्स सी कैसा होगा, बट वो बना के दे सकते हैं सर। ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिबेंचर, मेरे हिसाब से अमेंडमेंट है, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना सर, सेक्शन 50AA, ठीक है? शॉर्ट टर्म रहेगा, एसटीटी तो कभी जीवन में बाप जन्म में अलाउ नहीं था सर कैपिटल गेन में, ठीक है? उसके बाद देखो मार्केट लिंक डिवेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, मेरे हिसाब से ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का जो परसेंटेज है ना, ये याद रखना, तो ये याद रख लेना, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड जिसमें 35% से ज्यादा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, ज्यादा इन्वेस्टेड है तो नहीं है। मार्केट लिंक डिबेंचर देखो जिसका प्रिंसिपल कंपोनेंट हो, रिटर्न्स आर लिंक्ड टू मार्केट, जैसा मार्केट चलेगा
वैसा आपको डिबेंचर से रिटर्न मिलेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो रिटर्न बढ़ जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो रिटर्न गिर जाएगा। इसके बाद सेक्शन 50C, ये तो बहुत अच्छे से सीखे सर, पीजीपी में 43CA पढ़ते हैं तो उसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन में सीखते हैं सर। दोनों में डिफरेंस एक ही है सर, वो बिल्डर के लिए होता है सर, ठीक है, ये बिल्डर के लिए नहीं होता सर, ये आम आदमी के लिए होता है जो कैपिटल ऐसे ट्रीट करता है सर, लैंड और बिल्डिंग और बोथ को। बातें सेम होती है सर, बातें तो यहाँ पर भी सेम होती है, वही याद है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सेल कंसिडरेशन। पहले लड़ाई तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे होती है सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब के लिए, तो उसको लड़ाई करने के लिए हम डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्री देखते हैं। फिर हम ये चेक करते हैं सर कि क्या डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन कैश में पैसा दिया कि अदर देन कैश था, कैश में दिया तो डेट ऑफ रजिस्ट्री की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं, सर अगर कैश में नहीं दिया तो सर डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं। फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की लड़ाई खत्म हुई तो फिर हम सेल कंसीडरेशन से लड़ाई चालू करते हैं। हम क्या करते थे याद, सेल कंसीडरेशन प्लस 10% करते हैं, चेक करते हैं कि क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके बीच में फॉल कर रही है कि नहीं कर रही है। सर अगर इसके बीच में फॉल कर गई तो जो हमारा, अरे जो हमारा सेल कंसीडरेशन है यही हमारा सेल कंसीडरेशन है फाइनल। और अगर सर इससे ज्यादा हो गई ना सर तो फिर ये क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, सेल कंसीडरेशन। याद आया, पर इसमें एक बात एक्स्ट्रा हो जाती थी, यहाँ पर क्या होता था, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को भी चैलेंज कर लेते थे, हम बोलते हम जाएंगे वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, ये गलत। याद है ना मैं बताया था कुछ एरिया के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ भी अनसर्न होते हैं, बट वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है नहीं नहीं ये जगह में वाकई में इतने में बिकी नहीं सकती प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिर क्या होता था, जब हम वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाते थे तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर दो बातें कर देता था, या तो वो सर वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो हम वैल्यूएशन ऑफिसर को बोलते थे तू गधा है भाई, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सही है, याद है। फिर दूसरा केस होता था सर जहां पर हम बोलते थे वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू कम है किससे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, हम बोलते थे पूरी दुनिया में तू ही स्मार्ट है, हम उसकी वैल्यू ले लेते थे, याद आया। इसका जब भी इसको पढ़ो 50C तो आप 43CA और सेक्शन 56 तीनों कनेक्शन में पढ़ना चाहिए सर, IUS कभी, ठीक है। ये दोनों सेलर के लिए, और वो जो IUS वाला है जो परचेस कर रहा है उसके लिए ध्यान रखना, ठीक है। अगर एज ए कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया तो 50C, अगर एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया तो 43CA, ठीक है। इसके बाद आगे और भी कुछ बातें थी, इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें थी, सेक्शन 50CA बोलता था सर, ये क्या बोलता था सर, अदर देन कोटेड शेयर। कोटेड शेयर क्या होता है, लिस्टेड शेयर। लिस्टेड शेयर की तो मार्केट वैल्यू ऐसे ही पता चल जाएगी, अब भी निकाल दूंगा मैं। इन्होंने बोला सर अगर अनलिस्टेड शेयर है मार्केट वैल्यू पता नहीं चल रही है तो उस केस में क्या करेंगे सर हम, जनरली हम फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करते हैं। अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू अनकोटेड शेयर्स की नहीं मिल रही है तो फिर क्या करते हैं, मर्चेंट बैंकर के थ्रू क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू निकलाते हैं सर और उस वैल्यू को कंसिडर करते हैं। ये बोनस ट्रिपिंग है सर, ये सीएमए वालों का टॉपिक होता है सर, जहां पर इन लोग क्या करते हैं, बड़ा प्यारा सा चीज है, आप लोग भी सीए फाइनल में पढ़ोगे ये बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, मैं अभी ये जितने भी सीएमए इंटर वालों को पढ़ाया था ना, मतलब अभी नहीं इससे पहले वाले रितेश लोग के बैच में सीएमए इंटर वालों को पढ़ाया था, अब उन लोग को यही सब टॉपिक बहुत डिटेल में सिखाया था सीएमए का कि ये यही सेम, तो फाइनल में ऐसा थोड़ी हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अभी जब उन लोग फाइनल में क्लासेस लिए और पढ़ लेना तो उन लोग बोलते सर पूरी बातें आपकी याद आ जाती है, जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें वो चीज सुनने की भी, हमें ऐसा लग रहा है ये तो आता है, यही चीज तो आप बताए थे हमें, ठीक है। फाइनल में थोड़े रूल्स वगैरह भी आ जाते हैं, उसके प्रोसीजर्स भी आते हैं, इंटर में नहीं होता है, इंटर में सिर्फ सेक्शंस होते हैं, फाइनल में प्रोसीजर्स रूल्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो बोले सर बस वो पढ़ना पड़ता है, बाकी तो हमारे अंडरस्टैंडिंग है बोनस ट्रिपिंग क्या, हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता बोनस ट्रिपिंग क्योंकि सेम टॉपिक है, अलग होता ही नहीं है सर, ऐसे कैसे ऐसा थोड़ी कि भाई इंटर का अलग पड़ेगा फाइनल का अलग पड़ेगा, सेम ही तो होगा ना सर, बदल कैसे जाएगा। तो बोनस ट्रिपिंग बहुत सिंपल है सर, रिकॉर्ड डेट से विद इन 3 months और विद इन 9 months, ठीक, विद इन 3 months परचेस किया और विद इन 9 months सेल किया, ओरिजिनल सिक्योरिटीज को बोनस शेयर कम से कम एक रखना जरूरी है। तो उस केस में इन्होंने बोला जो भी लॉस होगा आपको ओरिजिनल सिक्योरिटीज से, वो ओरिजिनल सिक्योरिटीज का लॉस आपका बोनस शेयर की कॉस्ट बन जाएगी। ये रेगुलर क्लासेस में मैं सिखाया था, बड़ी प्यारी सी चीज है सर। इन्होंने क्या किया था, क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था सर, जब भी बोनस शेयर इशू होने वाला रहता है ना ओरिजिनल शेयर्स की प्राइस कम हो जाती है,
तो जैसे मैं 10 रुपए में खरीदा, मान लो बाद में 8 रुपए हो गया, तो मैं जब बेचने गया तो मुझे 2 रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं लोग क्या करते थे, इसमें टैक्स प्लानिंग कर देते थे, 2 रुपए का नुकसान, ये 2 रुपए का क्या जो नुकसान होता था उसको दूसरे इनकम से एडजस्ट कर देते थे। तो सरकार ने बोला ये जो 2 रुपए का नुकसान है ना, ये तेरे बोनस शेयर की कॉस्ट हो गई, जबकि बोनस शेयर की कॉस्ट तो नहीं होती है, बट सरकार ने क्या किया, लॉस को बोनस शेयर की कॉस्ट बना दिया। ठीक है सर, सर सर वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये तो आप लोगों में भी आ गया सर, अब तो ये पढ़ना ही है आप लोगों को। हाँ जी पढ़ना ही है, कैसे छोड़ दोगे आप, आपका टीडीएस है इस पे, टीडीएस कैसे छोड़ दोगे, वर्चुअल डिजिटल एसेट में टीडीएस आ चुका है, आपको ध्यान देना ही होगा सर। और ये तो आपका आईयूएस में भी ट्रीटमेंट है, ठीक है कैपिटल गेन में अभी सीए वालों का नहीं लाया, बट सीएमए वालों का है। और ऐसा नहीं है कि नहीं लाया तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस कर दिया, टीडीएस में तो अभी भी घुसा के रखा ना, तो आपको टीडीएस के हिसाब से तो समझना ही है इसको। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट याद है ना सर, क्रिप्टो करेंसी याद है ना, बिटकॉइन वगैरह, सरकार ने बोला था भैया सुनो फ्लैट 30% टैक्सेबिलिटी है, आगे ना पीछे सीधा फ्लैट 30% है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ करेंगे बट इंडेक्सेशन नहीं अलाउ करते। ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं करते सर, लॉस होगा तो उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देते हैं सर। अगर एज एन इन्वेस्टमेंट रखोगे तो बोलते कैपिटल गेन में टैक्स लगाएंगे, और एज ए स्टॉक एंड ट्रेड रखोगे तो बिजनेस इनकम मानेंगे। अरे बात समझ, मतलब समझो कुछ नहीं है। मान लो अगर मैंने बिटकॉइन खरीदा, एग्जाम्पल है बिटकॉइन खरीदा और 10 लाख का खरीदा और 12 लाख में बेचा, तो सरकार बोली 2 लाख में फ्लैट 30%, ना तेरा आगे सुनेंगे ना तेरा पीछे सुनेंगे। मैं बोला कल के दिन 10 में खरीदा था और 8 में बेचा, तो 2 लाख का लॉस अलाउ भी नहीं करेंगे, ना कैरी फॉरवर्ड करने देते ना अलाउ करते। वो टीडीएस है मैम, ये कैपिटल गेन की बात कर रहा था, टीडीएस है वो, टीडीएस में पढ़ेंगे ना, टीडीएस में है 20,000 किलोमीटर, वो पढ़ेंगे अपन बाद में। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 50D फेयर मार्केट वैल्यू, क्या बोला गया था यहाँ पर, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप वैल्यू नहीं बता सकते तो सरकार बोलती है हम बताते हैं, हमारे हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू ही सेल कंसीडरेशन है, तुम बता दो नहीं तो हम बताएंगे। याद है सेक्शन 51 एडवांस मनी प्रोहिबिटेड, बहुत अच्छे से सीखे थे सर, 1/4/2014 के पहले अगर रहा एडवांस मनी प्रोहिबिट। इस बार का सीएस और सीएमए वालों का क्वेश्चन था, सीएस का तो पेपर अभी तक मैं सॉल्व करके डाला ही नहीं, पता नहीं किस आलस में जी रहा हूं मैं। ठीक है, सीएमए वालों का तो नहीं, ऐसा है कि उनमें ना जो क्वेश्चन है अभी, उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा मेरी बुक है, तो वही क्वेश्चन वापस सॉल्व करने में फील ही नहीं आ रहा मेरे को। कुछ नया होता है ना तो मजा आता है यार, कुछ सीखेंगे हम भी, इंटरेस्ट लेते हैं, मेहनत करते। डिक्टो है, नाम बदल दिया डिक्टो है, अबे सॉल्यूशन तो डालना पड़ता है ना, सॉल्यूशन तो मेरे को मेरे वो सोच रहा हूँ 1/4/2014 के पहले का होगा एडवांस मनी प्रॉफिटेड, तो हमने बोला था सर कॉस्ट से माइनस कर दो। ठीक है, और अगर 1/4/2014 के बाद का होगा तो सरकार बोली आईयूएस में लेके जाना एडवांस मनी प्रॉफिटेड। अच्छा, एडवांस मनी प्रॉफिटेड से रिलेटेड एक अच्छी खास बात थी, अगर प्रीवियस ओनर ने माना, अगर प्रीवियस ओनर ने एडवांस मनी प्रॉफिट किया होगा तो माइनस नहीं करना। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर की लेते हैं, बट एडवांस मनी प्रॉफिटेड प्रीवियस ओनर की नहीं लेते, ये बात का ध्यान रखना। गलती हो जाती है जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली ये गलती हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जेम्पशन पढ़ना चालू किए थे, ये तो बड़ी प्यारी होती थी सर, सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन, 54B, D, E, C, F। मैं तो हमेशा से स्टूडेंट को बोलता हूँ सर 54, EC और F ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीन को कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, 54 में हमने क्या बोला था सर, कोई भी इंडिविजुअल HUF घर बेच के घर खरीद या बना ले, पर बात ये ना सर कि वो आदमी कितना घर बनाया। सरकार बोली सुन भाई, तेरा अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, दो घर बना, दो घर खरीद, कौन मना करता है, पर अगर तेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर गया, एक इंडिया में, इंडिया से बाहर नहीं, इंडिया में, तेरे घर ट्रांसफर होने से 1 साल पहले, ट्रांसफर होने के 2 साल के अंदर, या ट्रांसफर होने के 3 साल के अंदर घर बना ले या खरीद ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने का बनाएगा ना, पूरा कैपिटल गेन एग्जेम कर देंगे अगर पूरा। एक क्वेश्चन था, किसने क्वेश्चन देखा, मैं रुको रुको, इतने सारे टैक्स पेपर सॉल्व करते करते कई बार मैं ही भूल जाता हूँ किसका था वो।
सीएमए वालों का था शायद, हाँ सीएमए वालों का। एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द एग्जेम्पशन सेक्शन फुल वैल्यू ऑफ नेट कंसिडरेशन इज टू बी इन्वेस्टेड टू गेन टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। ना ना आप समझ नहीं रहे हो, उन्होंने बोला था क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, वो क्वेश्चन अच्छा था कि इन विच ऑफ द सेक्शन अंडर द कैपिटल गेन एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम ओनली इफ द फुल नेट कंसिडरेशन हैज बीन इन्वेस्टेड। फुल नेट कंसिडरेशन हैज बीन इन्वेस्टेड, बताओ किसमें? पूरा इन्वेस्ट करना चाहिए, एमसीक्यू में था, सीएस का, हाँ सीएस का पेपर था, एमसीक्यू में था, हाँ यही है ऑप्शन, यही चार ऑप्शन थे सर, वो 54 बी को हटा दे, बस यही चार ऑप्शन थे। तभी एग्जेम्पशन मिलेगी पूरी। बताओ बताओ, नहीं तो फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे यार। जल्दी जीवन बिताओगे? वाह पहले बताओ तो दे, बाकी को ट्राई तो करने दे ना ना, क्योंकि बाकी लोग बचे अभी, अच्छे ना बाकी लोग, गलत भी हो सकता है, आप ट्राई तो करो। लड़ लो चल, ये ऑप्शन है ही नहीं। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, ये चार थे बट इस ऑप्शन को मैं बाहर कर रहा हूँ, ये है ही नहीं आंसर, आंसर तो इन तीन पे अटका है। सर 54F ही है। ठीक सर, 54F ही तो है जहां पर हमें नेट सेल कंसीडरेशन इन्वेस्ट करना रहता है, तब पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। आप अगर सर सिर्फ कैपिटल गेन के अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो फॉर्मूला लग जाता है सर, पूरा पूरा आपको एग्जेम्प्शन मिलेगी ही नहीं सर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सीएस का था, अच्छा लगा मेरे को वो क्वेश्चन, अच्छे लेवल का था क्वेश्चन, मतलब एज सच स्टूडेंट कई बार ध्यान नहीं देता, थियोरेटिकल क्वेश्चन था बट अच्छा था। ठीक है तो चलो वेरी गुड, चलो ध्यान दो। सेक्शन 54 हमने बोला, ए प्लीज, सेक्शन 54 हमने बोला सर सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल एचएफ को मिलता है, घर के घर घर के बदले घर की बात थी सर। आप जो नया घर खरीदोगे सर लॉक इन पीरियड 3 साल है सर, और अगर आपने पूरा इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल गेन के अमाउंट तो पूरी एग्जेम्पशन मिलेगी। यहाँ नेट सेल कंसीडरेशन इन्वेस्ट करने की बात नहीं थी, यहाँ पर कैपिटल गेन के अमाउंट आप पूरा इन्वेस्ट करो आपको पूरा क्या मिल जाती थी, एग्जेम्पशन। ठीक है ये क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है। इसमें अच्छा एक पॉइंट और था, इसमें ये अमेंडमेंट भी है, ये अमेंडमेंट मेरे को बताना है, और एक पॉइंट और भी था, एक अच्छा और क्वेश्चन था कि सर ये जो कैपिटल गेन के अमाउंट है, अगर मान लो मैं पूरा घर में इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो फिर मुझे क्या करना है, सीजीएस अकाउंट में रखना है। कब तक? जब तक 5 साल। कब तक रखो सीजीएस अकाउंट में? हाँ जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मेरे को सीजीएस अकाउंट में पैसा रखना होता था सर, तब मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता था और उस अकाउंट से विड्रॉ कर सकता हूं मैं, बट सिर्फ घर के लिए सर, और कोई पर्पस के लिए विड्रॉ किया तो वो टैक्सेबिलिटी। अच्छा एक और क्वेश्चन, कल के दिन मर गए तो वो अपने उसको ट्रांसफर कर देना सर, वो हट जाता है। कौन हट जाता है, पागल है क्या? पैसा तो आप पैसा बोला ये मरा मैं भी चला,
कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग सर। ऐसे बोलना प्रॉपर चला जाता है, पैसा बोला मैं जा रहा हूँ, वो मरा मैं भी जा रहा हूँ सर। जितना भी पैसा है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो टैक्सेबिलिटी नहीं आती उस अमाउंट पे, ठीक है। अच्छे पॉइंट है, बट मेरे को लग रहा है अमेंडमेंट होने के कारण इस पॉइंट का बहुत गजब रिलेवेंस हो गया है। मेरे को लगता है एग्जेम्पशन कहीं ना कहीं पूछेगा, अच्छा पॉइंट है, या तो पूरे क्वेश्चन में पूछ देगा, और पूरे क्वेश्चन में पूछने के बेहद चांसेस। कैपिटल गेन के अमाउंट अनफंड डाल देगा आपका, क्या ये जो एग्जेम्पशन के अमाउंट है ना वहां पर गेम खेल देगा, क्योंकि देखो अमेंडमेंट क्या था। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस एक्सीड कितना, द अमाउंट एक्सीडिंग 10 करोड़ वुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द एग्जेम्पशन। इट मींस द मैक्सिमम एग्जेम्पशन दैट कैन बी क्लेम बाय द एसएससी अंडर सेक्शन 54 इज। तो मेरा क्वेश्चन है सर, मान लो मैंने जो नया घर खरीदा वो 10 करोड़ 20 लाख का है, तो 20 का क्या होगा? क्या बोली, क्या बोली, मैं क्या बोला ये समझ आया ना? 10 करोड़ 20 लाख का नया घर खरीदा तो 20 लाख आप पढ़ लो ना, मैं कहां पढ़ रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन वो है 20 लाख का क्या हुआ? अरे 20 लाख भी तो दिया ना मैंने, प्रूफ है मेरे पास, दिया हूं मैं। अबे तो वो अकाउंट की बात ही कहाँ आई, मैं तो अभी ये बोल रहा हूँ, अरे पागल मैं एग्जेम्पशन की बात कर रहा हूँ, अकाउंट ही कहाँ बीच में आया। मैं तो बोला मैं तो 10 करोड़ 20 लाख दिया हूँ, तो 10 लाख आप बोल रहे हो एग्जेम्पशन में दे दोगे मेरे को मैक्सिमम, तो 20 का क्या करूँ, 20 लाख जो दे के बैठा हूँ। अबे टैक्स इनकम पे होता है, परचेज क्या हूँ, खर्चा, खर्चे में भी टैक्स ले रही है मेरे से, मारूंगा। तीन बार क्लियर किया हूं, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं मैं। मैम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, नो ऑप्शन, ठीक सर। वो जो 20 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किया था दैट विल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्जेम्पशन। सर एग्जाम में लाइन लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिख के आओगे तो कैसे होगा भाई, वो मार्क्स थोड़ी देगा, वो तो समझेगा टाप लिया होगा कहीं से 10 लाख। आपको लिखना होगा कि 20 लाख एक्स्ट्रा बीइंग पेड हैज बीन इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 और 54F, दोनों में वो एक सेम कहानी है। अबे ये इंटरप्रिटेशन है, ये तेरे को लिखना है, पागल मैं लॉ लिख के दिया हूं तेरे को। तो सर सरकार ने क्या किया, सरकार ने 54 और 54 का एफ का बेनिफिट जो है वो लिमिट किया। सरकार ने पहले, आप समझो ना, पहले मैं 100 करोड़ का भी एग्जेम्पशन ले सकता था, समझ रहे हो आप। अंबानी अपना घर बेच के अगला अंबानी वाला घर बनवा लेगा ना तो भी 54 मिल जाएगा सर, अब नहीं मिल सकता ना सर, 10 करोड़ के ऊपर क्या कर लोगे आप। तो सरकार ने रोका, अच्छा भी किया कि भाई 10 करोड़ तक अगर कोई घर खरीद रहा है तो सरकार बोलती ठीक है भाई, इससे ऊपर अगर आप हो तो फिर तो आप परपति हो, फिर आपको एग्जेम्पशन ही क्यों चाहिए। अरे समझ बैठा दिमाग में, तो अब आप 100 करोड़ का नया घर खरीद ली लो, सरकार तो आपको 10 ही का देगी एग्जेम्पशन, आया समझ। अच्छा एक बात याद रखना, 10 करोड़ मैक्सिमम है, अबे इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, 10 तो मिलेगा ना, ये ध्यान रखना। ये दोनों में वो है सर, एक तो 54 में भी आया है और एक 54F में भी आया है, ये दोनों में है ये, ठीक है। यही मेन मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो एग्जाम के लिए ध्यान रखना चाहिए। बाकी 54B अपन पढ़े थे सर, इंडिविजुअल HF अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है सर, आप उसको पहले 2 साल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते थे सर। गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर करती है तो सेक्शन 1037 में एग्जेम्पशन है, गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर नहीं कर रही है, आप बेच रहे हो तो सरकार बोलती है भैया सुन फिर तेरे को एग्जेम्पशन देंगे हम, 54B में आ तेरे को एग्जेम्पशन देंगे, प्रोवाइडेड तू नया है फिर लैंड और बिल्डिंग खरीद एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है। और लॉक इन पीरियड 2 साल तो परचेस करने के लिए, परचेस करने के लिए 2 साल, लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, 3 साल,
लॉक इन पीरियड 3 साल ना, 3 साल तक बेच नहीं सकते, आई बात समझ। उसके बाद अगला था 54D, ये काय के लिए था सर, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट है सर, लैंड और बिल्डिंग आप उसको बेच रहे हो, उसको बेच के ट्रांसफर कर रहे हो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग दूसरी जगह में ट्रांसफर कर रहे हो, तो सरकार बोली नई लैंड और बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए आपको लेना है 2 साल के अंदर परचेस करो, लॉक इन पीरियड 3 साल है सर, सिंपल कहानी है एकदम सिंपल। 54 इसी थोड़ा ध्यान रखेंगे सर, इसका क्वेश्चन अभी सीएस वालों के लिए आया था सर, 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करना होता है सर 50 लाख और मैक्सिमम लिमिट 50 लाख की है, और बॉन्ड का नाम याद रखना सर 4 है, NHAI, RECL, रूरल ये रेलवे एंड पावर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये 4 है याद रखना सर, अभी सीएस वालों को इसी में घुमा दिया था सर, ठीक है। मैक्सिमम 50 लाख की लिमिट है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, 54 इसी शेयर बेच के मिलेगा कि नहीं, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया सर, ये सीएमए वालों में आया था या सीएस वालों में, दोनों में से एक में आया था सर, ए भैया शेयर्स वेयर्स में नहीं मिलता 54EC, ये थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बड़ा सा कैपिटल गेन का बना के ना वो 54 भी डाल देगा, 54EC भी डाल देगा, और फिर चेक करेगा एक आदमी घर बेचा, तो घर बेचा तो 54 भी क्लेम कर सकता है, 54EC भी क्लेम कर सकता है सर, सही बात समझ। तो एक बात हम आज सीख गए सर कि सर जब 54F क्लेम होता है तो 54EC नहीं मिलता, क्या बोले समझ आया, जब 54F मिलता है तो 54EC नहीं मिलता है, बोले क्यों सर, 54F ये बोलता है आप कुछ भी बेच के घर खरीदो, तो कुछ भी मतलब आप घर के अलावा बेच रहे हो सर, घर जमीन के अलावा बेच रहे हो, तो शेयर बेच रहे होगे, गोल्ड बेच रहे होगे, तो फिर उसके इसमें 54EC कैसे क्लेम करोगे, ये एग्जाम के लिए ध्यान रखने वाली बात है। अब ये कहीं लॉ में नहीं लिखा है सर, ये लॉ में नहीं है, दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कि सर 54F क्लेम कर रहा तो EC नहीं जाएगा साथ में, जाएगा ही नहीं, 54 के साथ जाएगा 54EC, ध्यान रहेगा। नहीं जेम्स बॉन्ड यही था बैन, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना रहता है, लॉक इन पीरियड 5 साल है इसमें भी, ठीक है, 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करते हो, मैक्सिमम 50 लाख इन्वेस्ट करते हो, और याद रखना सर चारों में से किसी में भी इन्वेस्ट करो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चारों मिला के 50 देखा जाएगा सर, ठीक है। 54F इंडिविजुअल अचीव के लिए था सर, 54F इंडिविजुअल अचीव के लिए था, याद रखना सर, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउसेस बाहर है सर, रेसिडेंशियल घर बाहर है सर, तो 54F क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी कंडीशन सेम होती थी सर जो 54 में होती थी, बस वो 2 करोड़ के नीचे 2 घर वाली बात नहीं थी इसमें, इसमें तो एक ही मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास पहले से एक घर हो सकता है, हो सकता है कि आपके पास पहले से एक घर हो, ठीक है, बाकी कंडीशन सेम होती थी सर, एक घर लेना होता था वही 1 साल पहले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो, बट इसमें जो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन निकालने का तरीका ना, ये अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन निकालने का तरीका बहुत अच्छा होता था, इसको जरूर 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 देख के जाना, नहीं तो नहीं बनेगा, वहां जाके बैंड बजा दोगे सर। हम इसमें क्या करते थे सर, कैपिटल गेन इनटू बोलो बोलो कॉस्ट ऑफ एसेट जो आपने नया खरीदा होगा अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है, ये 54F का कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता था सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह है जहां पर फॉर्मूला बेस्ड एग्जेम्पशन है, बाकी कहीं नहीं है फॉर्मूला बेस्ड एग्जेम्पशन, आई बात समझ, ध्यान रखना सर। लॉक इन पीरियड 3 साल वही प्रॉपर्टी के लिए 3 साल, इसमें भी याद रखना सर वो 10 करोड़ की लिमिट है सर, 10 करोड़ की लिमिट इनके लिए भी है सर अभी भी, ठीक है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में हम पैसे रखते सर, ठीक है, वो डिपॉजिट करना रहता है, हाउएवर देखो द कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़ वुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिट इन CGS अकाउंट, 10 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट भी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस ही बात है जब अच्छा हुआ बोल दी, नहीं तो लोग कितने हरामी पता है क्या करेंगे, 10 करोड़ के ऊपर एग्जेम्पशन ले लेंगे, बोले 20 लाख एक्स्ट्रा था, 20 लाख इधर डिपॉजिट कर दिए, सरकार बोली अबे पागल आदमी, आप समझो ना, इसमें डिपॉजिट करते तो भी एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो लोग ऐसे ही करते 10 करोड़ के ऊपर एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते, बीच नीचे 20 लाख जो नीचे था ना उसको डिपॉजिट करके एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते, सरकार बोली ना भैया मैक्सिमम 10 ही है, ठीक है। इसके बाद सर इन्होंने बोला था एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट्स, अगर सर आपको गवर्नमेंट से या कंपलसरी एक्विजिशन या कहीं से पैसा मिलने में टाइम लग रहा है तो सरकार बोली उस केस में हम आपको टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देंगे एग्जेम्पशन की, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो इन्वेस्ट कैसे करोगे सर,
ठीक है, फिर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाते थे सर, सेक्शन 55A सर, वैल्यूएशन ऑफिसर, ये दो केसेस जहां पर आपकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से वेरी कर रही है सर, या फिर इन एनी अदर केसेस असेसिंग ऑफिसर ओपिनियन में कि फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड करती है बाय 25,000 और 15% ऑफ द वैल्यू सो क्लेम, या फिर नेचर ऑफ एसेट ऐसा है कि वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाना पड़ रहा है, तो उस केस में रेफरेंस करते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर को और फिर वो डिसाइड करता है सर। फिर बात आती है टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये सिंपल है सर। शॉर्ट टर्म रहा पहले तो एकदम सिंपल समझो सर, अदर केस है तो नॉर्मल रेट पे चलेगा कैपिटल गेन, और 111A वाला है तो सरकार बोलती है भैया ये तो इक्विटी शेयर होगा या तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड होगा या तो ये क्या होगा सर, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, ये तीन कैटेगरी में, ये तीनों के लिए हम कितना देखते हैं सर, 12 महीने शॉर्ट टर्म 12 महीने, ठीक है। रेट ऑफ टैक्सेबिलिटी जो आप लोग 15% बोल रहे हो वो परफेक्ट है, बट मंथ तो 12 ही देखते हैं सर, ठीक है। एसटीटी पे होना चाहिए सर, याद रखना ये एसटीटी ही मेन कहानी है, अगर एसटीटी नहीं है तो वो 111A नहीं है, याद रखना वो 111A नहीं है, फिर वो नॉर्मल में चल जाएगा शॉर्ट टर्म में, ठीक है। 15% आईएफएससी है तो एसटीटी की बात आती नहीं है सर। इंडिविजुअल एचएफ अपनी बाकी इनकम पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से यूज करेगा, उसके बाद जो बचेगा वो कैपिटल गेन को भी एडजस्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म वाले को, आई बात समझ सर। चैप्टर 6 की डिडक्शन आप ले सकते हैं सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में, ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में नहीं ले पाते हो सर चैप्टर 6 की डिडक्शन, ठीक है। फिर आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली बात, इसमें भी दो वाले बात आते हैं, एक 112 एक 112A, ठीक है। एक 112 क्या बोलता है, सिंपल सी बात है सर, इंडिविजुअल एचएफ प्रेसिडेंट 20% बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एडजस्ट करने के बाद, ठीक, डोमेस्टिक कंपनी के केस में 20%, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी रही तो अनलिस्टेड सिक्योरिटी या प्राइवेट कंपनी है, तो सर ये फॉर्मूला हम ट्राई करते थे सर, 10% ऑफ द सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट, इंडेक्सेशन होगा नहीं, इंडेक्सेशन की तो कहानी ही बंद हो गई है सर, और 20% इन एनी अदर केस, ठीक। अदर केस रहा लॉन्ग टर्म का तो 20%, ठीक। उसके बाद सर ये आया था प्रोविजो टू सेक्शन 112 टैक्स ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स ZCB 0 coupon bond, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो, लॉन्ग टर्म है तो सरकार ने बोला था सर 10% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम, सॉरी ग्रॉस कैपिटल गेन सेल माइनस कॉस्ट, इंडेक्सेशन होगा नहीं सर, और 20% ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जहां पर सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दोनों में विच एवर इज लोअर, ये किस केस में होगा, लिस्टेड, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव करें सर 112A, ये 112A में कौन आते सर, 111A वाले जो है ना सर वही लोग यहां पर आते सर, वही लोग आते हैं, एसटीटी पे होना ही चाहिए सर, इक्विटी शेयर होना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, उन्हीं की बातें होती है सर, ठीक। टैक्सेबिलिटी कितनी है सर, 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है सर, 1 लाख से ऊपर होगा तो टैक्सेबिलिटी है 10%, आई बात ध्यान रखना सर, क्लियर है। इंडिविजुअल एचएफ बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं सर, इंडेक्सेशन होता नहीं है, अदर करेंसी में कन्वर्ट करना नहीं है, टैक्स रेट टैक्स रिबेट, रिबेट है ना सर, याद है 87A की रिबेट, वो मिलती नहीं है सर, चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलती, और सर ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका, यही तो मेन सीख के आए सर हम, यही तो मेन किस्सा कहानी है सर, ये याद रखना है, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब एसटीटी दिखे आपको क्वेश्चन में, अगर एसटीटी पे नहीं है तो ये लोचला पाचा करना ही नहीं, टेंशन ही नहीं है फिर तो, आई बात समझ। इस केस में हमने देखो सर फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का देखा था तरीका, अगर 31 जनवरी को वो ट्रेड हो रहे तो उस दिन का सर ट्रेडिंग रेट जो हाईएस्ट प्राइस होगा सर, अगर उस दिन कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई है तो फिर इमिडिएटली प्रिसीडिंग नेक्स्ट कैसे होगा, प्रिसीडिंग पहले, एक दिन पहले का अपन हाईएस्ट रेट ले लेंगे सर, फिर उसके बाद ये आप एक बार रीड कर सकते हो, इसको आप एक बार रीड भी करोगे तो इससे ज्यादा नहीं, हाँ इससे ज्यादा आप इसको जस्ट रीड करना, ये क्लैरिफिकेशंस थे, हाँ ये मैं आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका है ना एसटीटी पेड वाले केस में उसी के एग्जांपल्स वगैरह दिया हूँ, आप एक बार रीड भी करोगे तो काफी है। फिर सीएमए वालों के लिए कुछ सर था एक्स्ट्रा एग्जेम्पशंस 54G, हाँ दो टॉपिक थे 54G और 54GA, ठीक है सर। जहां पर डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया, अर्बन एरिया से इन लोग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्ट कर रहे हैं, तो सरकार ने बोला था सर आप न्यू प्लांट एंड मशीन परचेस करो बिफोर 1 ईयर और 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। इनको सीएमए वालों को दो चीजें याद रखनी रहती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉलोइंग कितना अमाउंट एक्सपेंडेड या कैपिटल गेन, दोनों में व्हिचएवर इज लोअर एग्जेम्पशन रहेगा, लॉक इन पीरियड 3 साल रहता है सर,
ठीक है। दूसरा ये था सर कि जहां पर इन लोग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू एससीजेड में लेके जा रहे हैं, तो ऊपर वाले जैसे सेम कंडीशन है, सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। मिनिमम वही है सर, अमाउंट एक्सपेंडेड और कैपिटल गेन और 3 साल लॉक इन पीरियड। फिर 54GB होता था सर, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल कंपनी, घर बेच के कोई एलिजिबल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। फिर इनको ये चीज ध्यान रखनी होती थी कि सर ट्रांसफर इस पीरियड में होना चाहिए 1/4/2012 से लेके 31 मार्च 2022, ये भी टाइम पीरियड अब खत्म हो चुका है सर। एलिजिबल कंपनी सर इंडियन कंपनी होना चाहिए, ऐसी कंपनी जिस साल आप ट्रांसफर किए हो उसी साल 1 अप्रैल में बनी हो, ठीक है। SME होना चाहिए सर, उस कंपनी में SEC का 25% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल होना चाहिए सर, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल और थिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। आप वो पैसे को सर परचेज ऑफ न्यू एसेट में यूज करोगे, कुछ चीजें जो न्यू एसेट की कैटेगरी में नहीं आती है ये सब हम एडिशनल डेप्रिसिएशन वाली चीजें जो पढ़ते हैं वहां पर है। टाइम लिमिट कितनी है एक्वायरिंग एसेट करने के लिए, 1 साल सर। उसके बाद है अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना रहेगा सर, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला इन्होंने, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है इनटू कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसीडरेशन, इन दोनों में विच एवर इज लोअर अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिल जाती है। और सर अगर आपने जो नई एसेट एक्वायर करी है उस कंपनी के थ्रू अगर कल के दिन आपने उस एसेट को कहीं ट्रांसफर कर दिया तो उसकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी सर 5 साल के पहले। ये समझ आया, ये हमारा कैपिटल गेन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैपिटल गेन के क्वेश्चंस कर ले हम। आइए जी, पेन नंबर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, कहीं स्क्रॉल हो गया तो 13.3372 ऊपर गया, ये रहा सर, ये होमवर्क है सर, ये थ्योरी क्वेश्चन है, होमवर्क है सर, ये नहीं आएगा। एक मिनट रुक 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 रुक, ये पढ़ेंगे। ए इज द ओनर ऑफ कार ऑन 1/4/2023 स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ मोटर कार, ही ट्रीट द अबव कार एज अ पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ हिज न्यू बिजनेस। तो पहले ये कार बोलता है कि भैया पहले ये कार बिजनेस पर्पस के लिए नहीं थी, बाद में इसको ये किस लिए लेके आ गया, बिजनेस पर्पस। ही सेल्स द कार ऑन 31 मार्च 2024 एंड ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशन। सर हम पढ़ के आए हैं, कार मूवेबल है, पर्सनल इफेक्ट है, बाहर है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स कन्वर्ट इज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड ऑन June 10, 2005 फॉर 60,000 इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन March 2023। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वॉज 5,50,000। ही सब्सिक्वेंटली सेल द स्टॉक इन ट्रेड सो कन्वर्टेड फॉर 6 लाख इन June 2023। डिस्कस द चार्जेबिलिटी। तो भैया क्या हुआ है, पहले कैपिटल एसेट थी, बाद में उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया और बाद में उसको सेल कर दिया, तो ये वाला पर्पस तो बिजनेस इनकम हो जाएगी कितना, ये तो क्लियर है ना, 50,000, 6 लाख माइनस 5,50,000, ये तो क्रिस्टल क्लियर। अब इसके बीच में तो क्या आएगा सर, कैपिटल गेन, अच्छा सेल कंसीडरेशन क्या होगा हमारा 5,50,000, सेल कंसीडरेशन, यही नेट सेल कंसीडरेशन है क्योंकि एक्सपेंस वगैरह कुछ दिया नहीं है सर, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स क्यों सर, लॉन्ग टर्म है ना सर, 2005 2023 में सर कन्वर्ट किया इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो सर 60,000 इनटू, बताओ बस मेरे को 348 है कि 331 है, यही बताओ बस मेरे को, ऑब्वियसली नहीं है ना मैम, आप क्वेश्चन देख लो, मुझे कोई इशू नहीं है, देखो 3:40 मैं आपसे CII ही जानना चाहता हूँ, बाकी तो क्वेश्चन इजी है, पक्का सर 331 होगा जिस दिन कन्वर्ट हुई है, कन्वर्ट तो 10 मार्च 2023 को हुई ना, तो 22-23 का रेट तो 331 है ना, अपॉन June 2005, 5-6 का बताओ कितना है, देखना पड़ेगा मेरे को भी नहीं पता, अरे याद कर, याद थोड़ी के
देते, एग्जाम में हमेशा देंगे आपको। एक आंसर में भाई 117 ठीक है, इसको करो, ये कितना आ रहा है, कैपिटल गेन कितना आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पक्का, ये फाइनल है, इस साल की टैक्सेबिलिटी है ही नहीं, हम प्रैक्टिस के लिए निकाले थे, इस साल टैक्सेबल कैसे हुआ, हे भगवान। इतना खुशी है सर, कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम इस साल कैसे टैक्सेबिलिटी आएगी, अगले साल होगा ना सर, अगले साल इसकी पूरी इनकम निकाली जाएगी, ये हम निकाल के रख लिए, आगे काम आएगा जब बेचेंगे तब, ठीक है, याद है ना, और नीचे पेन नंबर बताओ ना, ये रही, ये रही, यही है क्या, अबे यही तो है ना, हाँ देखो, एम हेल्ड 2000 शेयर्स इन अ कंपनी एबीसी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, दिस कंपनी अमलगेमेटेड विद अनदर इंडियन कंपनी एक्सवाईजेड लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2024, अंडर द स्कीम ऑफ अमलगेमेशन M was allotted 1000 share in the new company. The market value of the share allotted is higher by 50,000 than the value of holding in ABC Limited. Sir, 50,000 rupees pe tax lagana chahta hai assessing officer. Laga sakta hai? Nahi laga sakta. Kyun? Sir, transfer hi nahi hai. Capital gain hi nahi hai. Sir, section 47 bolta hai sir. Theek hai? Ye raha. Aao. Mereko laga hi tha ye ho raha hai. कुछ नहीं, कई बार वो पागल हो जाता है, अपने आप से अपने हिसाब से चलना चालू हो जाता है। थ्री एटी फोर था ना, चलो देखो सर क्या बोल रहे हैं, इन विच आर द फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी लाइबिलिटी डज नॉट अराइज, अच्छा डज नॉट अराइज, देखो भाई, मिस्टर ए परचेज गोल्ड इन 1970, बाप रे बाप, for 25,000 in the previous year 23-24 he gifted it to his son at the time of marriage, fair market value of the gold on the day the gift was made was 1 lakh, kya taxable hai, acha niche kuch diya kya bhai, nahi bas itna hi hai, kya taxability hai, nahi sir, section 47 beat mein aata hai na, wo bolta hai gift ke case mein transfer hi nahi hai to capital gain ki baat hi kahan hai, a house property is purchased by an HUF in 1945 for 20,000. It is given to one of the family member in the previous year 23-24 at the time of partition of the family. Fair market value on the date of partition. Section 47 beat mein aa jata hai sir. Agla. Mr. B purchased 50 convertible debenture for 40,000 in 1995, which are converted into 500 shares. Sir, debenture ko shares mein convert kar raha hai. Section 47 beat mein aa jayega sir. Theek. Agla question. Mr. A, a senior citizen, mortgages his residential house with bank under a notified reverse mortgage. Sir, reverse mortgage to jaise hi padho aankh band karke section 47 beat mein aana chahiye aur dimag mein ye aana chahiye sir, taxability hi nahi hai reverse mortgage ki to, theek hai, aage dekho, examine with reason whether the following statement are true or false, theek hai, dekho kya bol raha hai, alienation of residential house in a transition of reverse mortgage, sir reverse mortgage hai, क्या इसको ट्रांसफर माना जाता है, नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड्स ऑफ एलिजिबल कॉर्पोरेशन हेल्ड फॉर 14 मंथ्स विल बी अ लॉन्ग टर्म, 12 महीने, ठीक है, 12 से ज्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म, जीरो कूपन बॉन्ड मींस अ बॉन्ड ऑन व्हिच नो पेमेंट एंड बेनिफिट्स आर रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी और रिडेम्पशन, ट्रू, जीरो कूपन बॉन्ड में एक साथ लमसम पैसा मिलता है, बीच में कुछ, इसीलिए तो नाम ही जीरो कूपन है, जीरो कूपन मतलब आपको बीच में इंटरेस्ट देंगे ही नहीं सर, ठीक है, आगे आओ, पिन नंबर बता दो बस,
तेरे को ढूंढना पड़ेगा। चार सौ पांच 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 ये रहा, ये रहा। मिस्टर ए कन्वर्ट इज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 50,000 इन जून 2003 इनटू अ स्टॉक एंड ट्रेड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। ईयर देख लेना फिर से, नहीं तो पता चला पूरी मेहनत की और बोले सर टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं। आप ये चेक कर लेना सर किस ईयर की बात हो रही है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन इज 4,50,000। द स्टॉक एंड ट्रेड वॉज सोल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 6,50,000 इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2023। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट। पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, चलो निकाल तो हम पहले भी क्वेश्चन में लिए थे, इसमें भी निकालेंगे, निकालना कौन सी बड़ी बात है। बात ये इस साल टैक्सेबिलिटी है कि नहीं ये तो बताओ। तो टैक्सेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, बोला तो बेचा, ये तो लिखा है भाई, बोला तो बेचा। अरे इस साल टैक्सेबिलिटी लू कि नहीं लू। 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर है, आपके हिसाब से 23-24 में टैक्सेबल है कि नहीं है। अच्छा हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, अरे पागल। इस साल टैक्सेबिलिटी 23-24 में, प्रीवियस ईयर 22-23-24 में हम कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। चलो पहले यही बता दो क्योंकि उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी सर। Amen. टैक्सेबल है तो टैक्सेबल है तो कितना है सर स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब बिजनेस इनकम कितनी है और कैपिटल गेन निकाला, इंडेक्सेशन करके निकाला 298,000 298,165। अरे करेंट ईयर में टैक्सेबल क्यों नहीं होगा, इसी साल तो बेचा है।
मैं कब कुछ गलत बोला? तुम लोग तो आपस में लड़ रहे थे, मैं तो रुका हुआ था, वेट कर रहा था। हाँ मैंने कब बोला आप लोग गलत बोल रहे हो? मैं तो टेस्ट ले रहा था, रुक गया था। लड़ लो मैं बोला, पूरा लड़ लो। चलो देखो, सिंगानिया एंड कंपनी अ सोल प्रोप्राइटर ओन सिक्स मशीन पुट इन यूज फॉर बिजनेस इन द मार्च 2022। द डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15%। Opening balance of this machine after providing depreciation for the previous year 22-23 was 8,50,000. Three of the old machine was sold on 10 June 2023 for 11 lakh. A second hand plant was bought for 8,50,000. Thank God. Determine the claim for depreciation for the assessment year 24-25. So 8.5 lakh ki machine laya, 8,50,000 ki pehle se thi. Total kitna ho gaya? 17 minus 11 kitna ho jayega? 6. 6 लाख का 15% डेप्रिसिएशन। क्या कैपिटल गेन आएगा? नो, कैपिटल गेन क्यों आएगा सर? डेप्रिसिएशन आ रहा है तो कैपिटल गेन क्यों आएगा? सिंगानियन कंपनी है सोल्ड द थ्री मशीन फॉर 21 लाख। अब लोचा हो गया क्योंकि सर वैल्यू तो हमारे पास 17 लाख की थी, आपने बेचा कितने में? 21 लाख। तो सर क्या अब कैपिटल गेन आएगा? यस, 4 लाख का कैपिटल गेन आ जाएगा सर। इजी क्वेश्चन। अभी भी 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 भी। नहीं, अच्छा पेन नंबर बताओ तो। गिरा मिस्टर ए इज अ प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइजेस हैविंग टू यूनिट। ही ट्रांसफर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023 इज फर्स्ट यूनिट बाय वे ऑफ स्लम सेल फॉर अ टोटल कंसीडरेशन ऑफ 25 लाख। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑफ यूनिट 1 ऑन 1/4/2023 तो 25 लू के 30 याद है ना सर? सेल कंसीडरेशन के लिए फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर होती है सर। यूनिट 1 वाज ट्रांसफर्ड इन द प्रीवियस ईयर, सॉरी स्टार्टेड इन द प्रीवियस ईयर 2005-06। तो लॉन्ग टर्म है सर, इंडिविजुअल एसेट वाइज थोड़ी देखते हैं, पूरा देखते हैं। एक्सपेंसेस इनकम 28,000 ये आप माइनस कर लेना, ठीक है। हिज बैलेंस शीट इज एज अंडर, तो हमें तो यूनिट 1 से मतलब है। सब यूनिट 1 का देखेंगे, यूनिट 2 से बाहर में जैसा। यूनिट 1 देखते हैं, बिल्डिंग देखेंगे, मशीनरी देखेंगे, डेटर अदर एसेट, ठीक है। ओन कैपिटल ठीक है, रिवैल्यूएशन दिया हुआ है, रिजर्व फॉर बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1। तो सर यूनिट 1 की बिल्डिंग कितने की है? 12 लाख। क्या ये 3 लाख माइनस हो जाएगा? यस सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व कंसिडर ही नहीं होता है सर। बैंक लोन 70% फॉर यूनिट 1, तो 2 लाख का 70% कितना? 1,40,000। फिर ट्रेड क्रेडिटर दिया हुआ है 1,50,000, उसका 25% कितना? 37,500। ये यूनिट 1 का, तो अपन माइनस करेंगे नेटवर्क निकालते टाइम। आगे देखो क्या दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग द अपवर्ड वैल्यू ऑफ द यूनिट 1 ऑफ वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1, तो ये तो माइनस करेंगे। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसीडर्ड, इंडिविजुअल तो देखते भी नहीं है सर। अदर एसेट्स इधर आ, ये रहा अदर एसेट ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट, 50,000 ऑन 1/7/2021 फॉर 50,000 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। मेहनत करो सर, 21-22, 22-23 और आप 23-24 में बैठे हो, निकालो वैल्यू मेरे को क्या बता। आप 23-24 में बैठे हो सर, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आ रहा है सर पेटेंट का। सब डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे सर, और कितना परसेंट? 25%, ठीक है ना। 50,000 का 25%, फिर 25%, फिर 25%, तो ये आ जाएगा 28,125, ठीक। उसके बाद बोल रहे हैं कंप्यूट द कैपिटल गेन, ट्राई करो सर। सेल कंसीडरेशन निकालो सर, ट्राई करो, आप लोग लिख के ट्राई करो सर, मेरे को तो आता है। तीन लाख माइनस, मैं 28,000 माइनस, पागल क्या कर रही है? चलो करो करो। बनाओ बनाओ, सब ट्राई करो, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। इसके बाद के सब क्वेश्चन सॉल्विंग वाले, कैसी लगेगा सर? इसके बाद के सब क्वेश्चन सॉल्विंग वाले। कितना रहे? 12,50,625, यही आ रही क्या? नेटवर्क सब चेक करो, बिल्डिंग में माइनस किया ना 3 लाख,
हाँ और पेटेंट 28,125 ही लेना, फाइनल बता रहे हो कैपिटल गेन कितना बोल रहे हो? यही आ रहा है कि चेक करो, फोन नहीं चलाना है। आया है सबको, क्लियर है सबको? ठीक है, कोई पॉइंट पे डाउट हो तो बोलना। पेन नंबर बता रही है, 426 बोल रही है ना, आई नीचे होगा अभी तो, ये रहा, नहीं ये देखो मिस्टर सी परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन जुलाई 20, 2021 फॉर 10 लाख एंड मेड सम एडिशन टू द हाउस इंक्रीइंग 2 लाख इन अगस्त 2021. He sold the house property in April 2021 for 20 lakh. Sir, पहले तो बताओ short term की long term? क्यों? तो पलटी भी तू ही नालायक। सर क्या ये शॉर्ट टर्म है? यस सर शॉर्ट टर्म है क्योंकि 24 मंथ से कम है, जुलाई से काउंट करोगे अप्रैल तक 20 मंथ्स होते हैं। हाँ तो सर कम मंथ्स होते हैं तो इसीलिए सर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन नहीं होगा। तो 20 लाख माइनस 10 माइनस 2 आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ही स्पेंड 5 लाख टू परचेज अनदर हाउस प्रॉपर्टी, 54 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। वेरी गुड, डूब मरो। हाँ बोले थे साले, लॉन्ग टर्म में मिलती है ना, शॉर्ट टर्म में कहाँ मिलती है? इतने नलायक, मैं बोलता हाउ चलो अगला देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 75 लाख अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग ऑन 1/5/2023 विल बी एक्सेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ द कैपिटल गेन इज इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स। सर 75 कहां से, हमने तो 50 लाख पढ़ा। बकवास करता है ये सब हमसे। एक क्वेश्चन बताओ, पेन नंबर बोलना। हाँ चल इसका मर्डर हो जाएगा। चलो कंप्यूट द इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इन द फॉलोइंग केसेस। देखो टैक्स लाइबिलिटी निकालना है तो आपको वो चेक कर रहे हैं सर कि किन केसेस में आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की बेनिफिट लोगे नहीं लोगे, थोड़ा ध्यान से अच्छे से बनाना। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अच्छी होती है सर। टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 2,40,000, रेसिडेंट बंदा है सर, एज 45 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ 85,000 फ्रॉम द सेल ऑफ वैकेंट साइट, और कुछ दिए क्या? नहीं। अच्छा ओ ओ ओ भाई 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 पे टैक्स अंदर डिफॉल्ट टैक्स कैपिटल गेन में 115 बीएससी। ला तो समरी बुक दे तो मेरे को, मेरी बुक है मेरे को नहीं पता होगा। वाओ थैंक यू। क्या बोल रही है लड़की? नहीं उसका कोई रिलेवेंस भी नहीं है। तो मिस्टर ए मिसेस बी मिस्टर सी एंड डी पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसी, और अगर वो 115 बीएसी के हिसाब से नहीं चलते तो दोनों के हिसाब से निकालना है सर। आप एक काम करो, पहले नॉर्मल वाला निकालो फिर 115 बीएसी के हिसाब से, पहले नॉर्मल तो निकालो, नॉर्मल के हिसाब से पहले वाले का टैक्स बताओ सर। सब निकालेंगे सर टैक्स, सब निकालेंगे, बताओ बताओ। याद है ना 2,50,000 की लिमिट है बेसिक एग्जेम्पशन,
इंडिविजुअल है क्या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यूज कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता सर? बताओ ना मेरे को टैक्स कितना आ रहा है? 15 15 सब 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 करके बता रहे हो? सोच लो सब करके बताना है ना? हाँ सब रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी सब करके बताना है। वाह नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे रिबेट नहीं पता इसको। अभी अभी मार खाएगी, रुक क्लास के बाद। रिबेट याद नहीं है इसको। 50% से नहीं पता, 2600 समझ रहे हो ना सर? पहले तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ये 85,000 में से 10,000 यूज हो जाएगा, बचा 75,000 का 20% 15,000। हाँ रिबेट ही बदल जाएगी मैम, रिबेट बदल जाएगी। ये बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएगा सर। तो ये हो गया, अच्छा ये समझ आया ना सर? तो 12,500 की रिबेट ले लिए क्योंकि सर टोटल इनकम 5,00,000 से एक्सीड नहीं कर रही है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आराम से 87A की रिबेट ले सकते हैं अपन, ठीक है। फिर 4% एजुकेशन से सेट कर दिए, बचे 2,500 में, 2,500 का 4% 2,600, ठीक है, ऐड करने के बाद। अगला है नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को सर याद रखना रिबेट नहीं मिलती और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो इसका टोटल इनकम है 3,10,000, इसके लिए तो स्लैब भी 2,50,000 का होता है सर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 फ्रॉम द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर एसटीटी पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, तो 1,00,000 तक तो एग्जेम्पशन की बेनिफिट भी है। बताओ सर क्या होगा, आप बताएंगे। कैसे आया? और 10,000 हाँ थ्री 120 आ रहा है, ठीक। कैसे आया समझ आया? 10,000 तो एग्जेम्पशन में चल जाएगा, 1,00,000 की लिमिट है हमारे पास सर। 3,10,000 माइनस 2,50,000 बचा जो है उसका 5% प्लस 4% एजुकेशन से। अगला निकालो सर। मिस्टर सी एज 81 years, अब रेसिडेंट 81 है, समझ रहे हो ना? 5,00,000 का स्लैब है और 60,000 फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। क्या मजाक करता है हमारे साथ, ये पढ़ाई क्यों रहे, टाइम पास करता है हमारे साथ। चलो बनाओ, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, ग्यारह नौ सौ साठ ठीक है। अब 115 बीएससी के हिसाब से स्लैब बदलेगा ना, पहले 3,00,000 तक नील, अगले 3,00,000 में 5%, याद है ना स्लैब बदलता है सर। चलो सर ट्राई करो। अबे
आउच हाँ ये पहला तीन लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, 2,40,000 उसमें यूज कर लेंगे हम, बचा 85,000 में से 60 यूज कर देंगे हम, तो बचा कितना 25,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 25,000 का 20% प्लस 4% एजुकेशन से। रिबेट होगी ना, रिबेट लिए ही नहीं होगी आप लोग, रिबेट भी तो है ना इनकी, अब तो 7 लाख पे नहीं लेना याद है, हाँ पूरा रिबेट में चले गया, तो फिर ये आएगा ही क्यों, ये जीरो हो जाएगा, जीरो क्योंकि रिबेट में चले गया। और दूसरा था इसमें रिबेट नहीं दोगे, वेरी गुड, नॉन रेसिडेंट को रिबेट होती ही नहीं है, इसमें भी आती है ना तेरी तो, मार्क्स को नॉन रेसिडेंट को रिबेट देती है। अगला ये आज फंसी चलो अगला 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 रिबेट अभी भी जिंदा है ना, रिबेट तो है ना सर, रिबेट आप लोग भूल रहे हो सर, 7 लाख के अंदर रिबेट निल हो जाती है सर, कैसे कर रहे हो? अभी जब नया बैच होगा ना, उस नए बैच में जब मैं इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चंस कराऊंगा और जब 87A के क्वेश्चन कराऊंगा, ये 115 BAC वाले, तो आप लोग भी ना वो वाला टॉपिक जरूर देख लेना, नहीं बैठना नहीं, बैठना इज अ टाइम वेस्ट, आप आराम से वो देख लेना, फटाफट रिकॉर्डिंग रहेगी वो स्पीड से देख लेना, तो वो वाला पार्ट जो है ना उसको देख लेना, उससे क्या होगा आप लोगों को, जितने लोगों को 115 बीएससी के रिबेट के कैलकुलेशन आप भूल गए हो, रीजन ये है मेरे को गारंटीड पता है आप लोग भूल गए हो, मैं आप लोगों को अमेंडमेंट लेक्चर्स में ये रिबेट को करवाया था, क्वेश्चन भी 3 ठोक करवाया था जो इंस्टीट्यूट मैट के थे, बट आप बहुत टाइम हो गया है तो भूल चुके हो, इसीलिए ध्यान रखो। तो ये थर्ड वाले में 81 क्या रहा है, निल आ गया रिबेट के कारण। नेक्स्ट 9360 क्योंकि रिबेट तो मिलना नहीं है, नॉन रेसिडेंट छवि, नॉन रेसिडेंट रिबेट नहीं मिलेगा, लास्ट ही बचा है, थोड़ा ही बचा है बस, बहुत जल्दी हो जाएगा इलस्ट्रेशन खत्म हो गए, 10 मिनट रुकेगी तो हो जाएगा, 10 ही मिनट लगेगा मेरे को, ज्यादा नहीं है मेन क्वेश्चंस, बहुत कम क्वेश्चंस है, छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बाकी जैसा बोलो आप लोग, कोई इशू नहीं, जैसा बोलो आप लोग, या फिर आप लोग क्या बोलते हैं प्रोसीड करना चाहोगे तो कर लो, कोई इशू नहीं है, 1, 2, 3 है, रिकॉर्डिंग तो होगी, आप लोग बाद में देख लेंगे, जैसा आप लोग बोलो, 10 मिनट करो, चलो इधर ध्यान दो, फटाफट कर लेंगे सर। मिस्टर मिथुन परचेज 100 इक्विटी शेयर ऑफ गुड मनी कंपनी लिमिटेड ऑन 1/1/14/2007 एट द रेट ऑफ 1000 पर शेयर इन द पब्लिक कंपनी ऑफ द इन द पब्लिक इशू ऑफ द कंपनी बाय पेइंग एसटीटी, परचेज करते टाइम एसटीटी पे किया था, ठीक है, कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑन 1/1/12/2022, ठीक है, ही ऑल्सो क्या हुआ, ठीक है, ही हैज ऑल्सो रिसीव डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज पर शेयर,
डिविडेंड आईयूएस में टैक्सेबल होता है सर, याद रखना ठीक है। अच्छा डिविडेंड कब मिला ये डेट याद रखना, क्योंकि रीजन ये है सर डिविडेंड के टाइम पे मेरे पास ओरिजिनल शेयर भी थे और बोनस वाले भी शेयर्स थे, तो 200 शेयर्स में डिविडेंड मिला सर, 200 × 10 2000 कहां जाएगा आईयूएस में, ये समझ आई बात। He sold all the shares on 1/10/2023 at the rate of 4000 per share through a recognized stock exchange and paid a brokerage of 1%. Brokerage जो पे किया वो तो मैं माइनस करूंगा, पर जो STT पे किया वो मैं माइनस करता ही नहीं सर, ठीक है। Compute his total income and tax liability जब वो नॉर्मल स्कीम में चल रहा है सर, और देखो देखो क्वेश्चन में हिंट देखो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर दिया हुआ है, कब दिया हुआ है 31 जनवरी 2018 की दी हुई है, तो मतलब ये क्वेश्चन में सर वो जो कॉस्ट वाली बात है क्या मेहनत है उसकी, हाँ मेहनत है, क्योंकि सर शेयर परचेस कब है सर 31 जनवरी 2018 के पहले का परचेस है, और बेच कब रहा है सर ये 18 के बाद बेच रहा है सर ये, आई बात समझ। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट वाली मेहनत है, इंडेक्सेशन तो करना ही नहीं होता है सर, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में लिस्टेड है एसटीटी पेड है, इंडेक्सेशन की बात ही नहीं है। निकालो सर, ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ट्राई करो। वो स्टेप याद है सर, स्टेप वन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर स्टेप टू लिखते थे उसके अंदर पहला होता था फेयर मार्केट वैल्यू, अभी जो कितनी है फेयर मार्केट वैल्यू 2000 रुपए, ठीक है ये 2000 रुपए। दूसरा सेल कंसीडरेशन कितना है, कहाँ है बे 4000, सेल कंसीडरेशन होता था सर 4000, ये दोनों में विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, लोअर कितना हो गया सर 2000, इसको किससे कंपेयर कर रहे थे, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 1000, ये दोनों में रियल, ये दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर कितना हो गया 2000, तो प्रैक्टिकली मेरी कॉस्ट कितनी हो गई 2000, सर बेचा कितने में 4000, सर 4000 इनटू ब्रोकरेज भी करेंगे, एक्सपेंस माइनस करना ना, करो ना अब तो करो, इतना तो बता दिया, कॉस्ट वाला मेन पार्ट था वो तो बता दिया मैं आपको कि सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको 2000 लेना है, इंडेक्सेशन करना नहीं है, अब तो करो, करो ना करो, मेरे को भी नहीं पता आंसर, थोड़ी पता है। ये कौन सा ओरिजिनल शेयर्स का बता रही है, ओरिजिनल शेयर्स का 1,96,000, बोनस भी तो है, बोनस शेयर भी तो है ना, 1:1 में बोनस दिया था ना, बताओ बोनस का, ये तो बात कर, एक मिनट, 31 जनवरी 2018 के बाद का बोनस शेयर है, पहले का होता तो बहन तू जंग लड़ती वो कॉस्ट वाली, ये तो बात कर, तो इसकी कॉस्ट क्या होती है निल, सिंपल निल, हाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल आएगा, पहले का होता तो मैं जंग लड़ता ना, ये तो बात का है ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा निल, तो जो भी आ रहा है 396 बोल रहे हो, समझ आया ना कैसे, ठीक है। और उसके बाद डिविडेंड का तो अभी मैं आपको बताया आईयूएस में टैक्सेबिलिटी है, क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा एक खास बात ध्यान दो, ओरिजिनल जो शेयर है क्या वो लॉन्ग टर्म है, चेक कर लो, अब चेक कर लो, यस, क्योंकि 2007 की कहानी है, 7 से 23 सर आंख बंद करके लॉन्ग टर्म है। अब बात ये बोनस शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, क्यों, अरे बाबा इंडेक्सेशन के लिए नहीं, ओ भैया एक मिनट, आप ये भूल गए, आप सिर्फ टोटल इनकम निकाल रहे हो, आप टैक्स लायबिलिटी भूल रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो आप मेरी बात सुनो और समझो, शॉर्ट टर्म बोलोगे ना तो 15%, लॉन्ग टर्म बोलोगे ना तो 10%, 112A बीच में आ जाएगा सर, आ रहा है समझ, इसीलिए बोल रहा हूँ ये जानना तो जरूरी है ना शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अच्छा लॉन्ग टर्म में 1,00,000 तक एग्जेम्पशन भी है, आप भूल गए हो, याद दिला रहा हूँ सर, तो ये जो 1,90,000 जब अभी अपन टैक्स लायबिलिटी निकालने जाएंगे ना सर, तो ये 1,00,000 की एग्जेम्पशन है, तो बचा कितना 96,000, यही तो आएगा टोटल इनकम में, क्लियर हुआ। अच्छा डिविडेंड वाली इनकम भी आएगी, कितना निकाले थे अपन 2000 ना, डिविडेंड की इनकम भी 2000 आएगी सर, और बोनस की इनकम आएगी, ये आपकी टोटल इनकम हो जाएगी, कितनी आई 494, अरे बाप रे तेरे को प्लस करना भी नहीं आ रहा है बहन,
मार्स को ठीक है। अब अपन टैक्स टैक्स निकालेंगे। सर ये बंदे की एज वेज कुछ दी है क्या? कुछ एज वगैरह नहीं दी है तो हम इसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देंगे 2,50,000 की। अब पहले 2,50,000 में क्या एडजस्ट होगा? डिविडेंड। पहले डिविडेंड एडजस्ट होगा, समझ आया? ये चीज का ध्यान रखना, पहले डिविडेंड एडजस्ट करोगे उसके बाद क्या एडजस्ट करोगे? आपसे क्वेश्चन ये है, पहले बोनस एडजस्ट करोगे कि ओरिजिनल शेयर का एडजस्ट करोगे? बताओ, यही तो मैं सोच लो। क्यों सर? बोनस अपन इसलिए एडजस्ट करेंगे क्योंकि बोनस का टैक्स रेट कितना है? 15%। शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में 10%। तो सर अगर 96 में लगता तो भी 10% लगता, और 396 में कितना लग जाएगा? 15%। अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर, अच्छी प्रैक्टिस कराता है ये आपको, गजब प्रैक्टिस कराता है। अच्छा आप एक बात और नोटिस कर रहे हो, इसकी इनकम, टोटल इनकम क्या 5,00,000 से एक्सीड कर रही है? तो फिर रिबेट 87A की रिबेट भी तो जिंदा है ना, 12,500 मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ वो तो टैक्स पर्पस के लिए 1,00,000 माइनस होता है, ऐसे तो इंक्लूड करते हैं। बहुत प्यारा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये आपको शेयर्स की एक्सट्रीम प्रैक्टिस सब कुछ करा दिया इस क्वेश्चन पे। वो आपको बताओ भाई क्या करें, रिबेट दूं नहीं दूं? क्या चीज मैं तो बोला आप लोग चल लो, मैं इन लोग को बैठा के करा लूंगा। ये तो कर लो। हाँ ये तो कर नालायक। सर ये 1,00,000 हम टैक्स पर्पस के लिए माइनस करते हैं, अगर टैक्स पर्पस के लिए नहीं देखोगे तो टोटल इनकम के पर्पस के लिए तो ये 1,00,000 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये 5,94,000। तो रिबेट रिबेट नहीं मिलेगी तो टैक्स बता दो फिर। चलो रिबेट नहीं मिलेगी तो टैक्स बता दो फिर, अगर रिबेट नहीं दे रहे हो तो टैक्स बताओ, बताओ टैक्स। बताओ टैक्स, ये तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से बताओ। बताओ बताओ टैक्स बताओ। इक्कीस नौ सौ सर, आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम है आपकी 5,94,000,
मैं आपको नॉर्मल के हिसाब से पहले प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर अपन डिफॉल्ट के हिसाब से करेंगे। सॉरी 22,776 कैसे निकाल रहे हो? आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 5,94,000 टोटल इनकम आ गई अपनी, ठीक है। अब अपने पास कितने का स्लैब है? 2,50,000। अपन नॉर्मल स्कीम के हिसाब से चल रहे हैं, अभी डिफॉल्ट नहीं। सर जो बुक में किया है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, अभी अपन नॉर्मल के हिसाब से सीख रहे हैं। अगर नॉर्मल के हिसाब से चलूं तो मेरे लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख। सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में 2.5 लाख में से पहले तो मैं 2,000 एडजस्ट कर लेता हूँ, 2,48,000। क्रिस्टल क्लियर? ठीक। अब ये 2,48,000 की लिमिट है, क्या मैं वो बोनस शेयर वाले से यूज कर सकता हूँ? यस। बोनस शेयर की कितनी थी? 396। कितना आ जाएगा ये माइनस कर तो कितना रही? 1,48,000। ये आया शॉर्ट टर्म वाला, है ना, ये समझ आया ना, शॉर्ट टर्म वाला। और वो जो हमारा 1,96,000 आया था लॉन्ग टर्म, उसमें से हम 1 लाख माइनस कर लेंगे क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट है हमारे पास 1 लाख की 112A में, तो ये 96,000। क्लियर? इसका 10%, इसका 15%, ये कितना कितना आ रहा है बता देगा? 31+4%, ये जो भी होगा सर, जो भी होगा 4% कोई बड़ी बात नहीं। ये आ गया नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के हिसाब से। अब बात करते हैं, अगर मैं यही 115BAC के हिसाब से होता तो ध्यान दो आराम से, 115BAC के हिसाब से रिबेट के लिए जो लिमिट है वो 7 लाख है ना। अब आराम से चलते हैं, हड़बड़ाते नहीं है। 5,94,000 ये तो सेम ही रहेगा सर, टोटल इनकम क्यों चेंज होगी? सर टोटल इनकम सेम, अगर मैं 115BAC के हिसाब से चलू तो सर टोटल इनकम तो 5,94,000 ही रहेगी। ठीक, पहले मैं क्या यूज करूंगा सर? बेसिक। अच्छा, यहाँ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट चेंज हो जाएगी सर। अब यहाँ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी? 3 लाख। इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ डिविडेंड, कितना? 2,000। तो कितना बचा? इससे मैं यूज कर लूंगा सर वो जो लॉन्ग टर्म वाला शेयर्स वाला था, कितना है? 98। इसका 15% आप कर लेंगे। अच्छा, ये 96 वाली अमाउंट जो है, ये जो निकाले थे, ये वाला पोर्शन, ये तो चेंज नहीं होगा सर, ये तो सेम रहेगा। ये कितना आया? प्लस 96 और बेसिक वो चेकल। कितना है रिबेट? कितनी है रिबेट? कितनी है बताओ रिबेट? रिबेट ही तो मेन है, रिबेट बताओ कितनी है? रिबेट तो मिलेगी सर, 7 लाख से नीचे की इनकम है रिबेट तो मिलेगी, बट मैक्सिमम लिमिट कितनी है रिबेट की ये बताओ? पूरी मत बोल देना 24,300, पागल हो क्या बे? इतनी तो रिबेट ही नहीं है, इतनी तो रिबेट ही नहीं है। निकाल लो रिबेट, बैठो निकालो, पहले 3 लाख तक, अगले 3 लाख में 5%, और नेक्स्ट भी तो है। जाओ बुक खोलो, बुक में देखो रिबेट कितनी है, क्या है? देखो फर्स्ट चैप्टर रिबेट का ही है, देखो ढूंढो बताओ मेरे को रिबेट कितनी है। तो 24,300 तक तो सही है, मेरे को रिबेट जानना है।
रिबेट रिबेट चाहिए मैम, रिबेट चाहिए मैम, वो आपको इंस्टीट्यूट मैट में ही मिलेगी, फर्स्ट चैप्टर। कैसे आया मैम? वेरी गुड, ब्रिलियंट। मैं यही चाहता था कि कोई तो रिबेट कैलकुलेट करे, सब आलसी कामचोर निकम्मे लोग। पहले 3 लाख पे निल है, अगला बच्चा 2,94,000, इसका 5% करोगे तो कितना आएगा सर? ये हो जाएगी रिबेट की अमाउंट, ठीक है? प्लस 4% कर लेना। आया समझ? अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है? अब आप लोग प्रोसीड करिए, हम बैठ के करते हैं फटाफट। ये बुक भी जिसकी है शायद ले रहे हो, किसकी बुक है? अच्छा तो बैटरी नहीं, जल्दी जल्दी प्लीज प्लीज। जल्दी 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 प्लीज प्लीज प्लीज, फास्ट फास्ट। बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम स्टॉक इन ट्रेड वाला प्रैक्टिस किए हुए हैं। बाय बहन, बाय बाय बाय, जल्दी जल्दी बनाओ, क्वेश्चन इजी है। देखो सिंपल है, आरव कन्वर्ट्स हिज प्लॉट ऑफ लैंड परचेज इन जुलाई 2004 फॉर 80,000 इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 31 मार्च 2023। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज 3 लाख। तो सर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। द स्टॉक इन ट्रेड वाज सोल्ड फॉर 3,25,000 इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी में बेच दिया। सिंपल सर, ये अभी तो सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। 25,000 क्या आ जाएगा? बिजनेस इनकम। बाकी इसका आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा सर। 80,000 इंटू कितना? चलो यही बता दो, 80,000 इंटू कितना? 331 की 348, बस यही जानना है मेरे को, आप चेक कर। सर प्रीवियस ईयर 22-23 में इसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, तो सर उसी का लेंगे ना सर, CII 331 ही लेंगे। आया समझ? बाकी तो इस क्वेश्चन में कोई टिपिकल नहीं था सर। समझ आया क्वेश्चन कैसे बना? अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना। हर्षिता परचेज अर लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 35 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 2004-05 एंड हेल्ड द सेम एज हर कैपिटल एसेट टिल 20th March 2023। शी स्टार्टेड अ रियल स्टेट बिजनेस ऑन 21st March 2023 एंड कन्वर्टेड द सेड लैंड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ हर बिजनेस ऑन द सेम डेट व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड वाज। वाओ, इससे हम अपना कैपिटल गेन तो आराम से निकाल सकते हैं सर। देखो सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगी? 210 लाख। अरे यार ये क्या हो गया, सेल कंसीडरेशन कितना हो जाएगा? 210 सर माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म है सर, तो 35 लाख इनटू कब कन्वर्ट किया भाई इसने? 31st March 2023, तो 331 हो जाएगा। 331 डिवाइडेड बाय 2004-05 का 113। करो ना इसको 35 इंटू 331 अपॉन 102.52। ये आप करोगे तो इससे आपका कैपिटल गेन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? ये हमने निकाल के रख लिया,
ठीक है. शी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज क्वालिटी एंड डायमेंशन. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 10 लाख. कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन फेब 2024 एंड शी सोल्ड 10 फ्लैट एट 30 लाख पर फ्लैट इन द मार्च 2024. द रिमेनिंग 5 फ्लैट वेर हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड. मतलब अभी भी उसके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है. तो सर उसने 15 फ्लैट बनाया. सर हर फ्लैट का कॉस्ट कितना है? 10 लाख. तो सर टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 150. फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 210. 150 ये कितना हो गया? 360. 360 कितने फ्लैट का है? 15 फ्लैट का है. हमने तो बेचा कितना है? 10 ही फ्लैट बेचा है ना सर. हमने बेचा है 10 फ्लैट. एक फ्लैट कितने में बेचा? 30 में. तो 300 लाख में बेचा. ये हमारे 15 फ्लैट की वैल्यू है. तो 10 फ्लैट की कितनी हो गई? 240. तो 240 हम माइनस कर लेंगे तो 60 हमारा क्या आ जाएगा? बिजनेस इनकम. ये समझ आया बिजनेस इनकम कैसे आया? पक्का. अच्छा अब ये जो कैपिटल गेन आपने निकाला है सर, ये जो भी आपने कैपिटल गेन निकाला है इसको भी डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10. क्यों सर? क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये तो पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा. हमें तो सिर्फ 10 ही का चाहिए ना. 10 ही बिका, जो बिका नहीं उसका कैपिटल गेन टैक्सेबल भी कैसे होगा सर? पैसा नहीं आया तो टैक्स कैसे देंगे? आई बात समझ? ये चीज का ध्यान रखना. आगे बढ़ते क्वेश्चन में क्या बोला देखो. ही इन्वेस्टेड 50 लाख इन द बॉन्ड्स इशूड बाय द एनएचआई ऑन 31 मार्च 2024 एंड अनदर 50 लाख इन द बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इन अप्रैल 2024. तो देखो सर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है 100 लाख. मिलेगा कितना मैक्सिमम? 50 लाख. हम पढ़ के आए सर और विद इन 6 मंथ इन्वेस्ट करना था. तो इसने ट्रांसफर कब किया सर? 21 मार्च को कन्वर्ट किया था. ठीक है. और उसके बाद बेचा कब है सर? मार्च 2024 में. क्या ये 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर दिया 50 लाख में? क्या 6 महीने के अंदर 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया? चेक करो. अगर आप हाँ बोलोगे तो 50 लाख का बेनिफिट मिलेगा 54EC में. और आप बोलोगे कि नहीं सर ये 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है तो उस केस में नहीं मिलेगा. यही तो मेन है. ऊपर करूं? सोचो. कब से देखे 6 महीना? समझो जब पैसा आता है स्टॉक एंड ट्रेड के केस में तभी से हम देखेंगे सर. क्यों सर? सेक्शन 54H भी था ना सर, एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड, जहां पर हमारे पास पैसा जब आता है तब से हम देखते हैं सर 6 मंथ्स का टाइम पीरियड एग्जेम्पशन के लिए. तो पैसा कब आया सर? मार्च 2024 में आया ना सर. तो उससे क्या 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर दिया? यस. तो सर हमें 50 लाख की बेनिफिट मिलेगी ना सर. तो ये 50 लाख का बेनिफिट यहाँ पर हम 54EC में क्लेम कर लेंगे सर. आया समझ? इसके बाद हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा. क्लियर हुआ सबको? ठीक है. तो आपसे यही पूछ रहे सर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम. कैपिटल गेन में आपको बताया कैसे निकलेगा, बिजनेस इनकम तो अपन निकाले भी 60 लाख. क्लियर है? हाँ. अगर ऐसा रहे तो वर्किंग नोट में आपको 54EC के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने 6 मंथ्स कब से लिए. दूसरा कैपिटल गेन या प्रोपोर्शनेट जो कर रहे हो इसको भी बताना होगा कि ये प्रोपोर्शनेट क्यों कर रहे हो. फिर सॉरी 331 क्यों ले रहे हो ये भी बताना पड़ेगा. वर्किंग नोट में होना ही पड़ेगा, इतना तो वर्किंग नोट देना ही पड़ेगा सर. ठीक है. आई बात समझ? अगला देखो, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन. मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन बिजनेस, हिज स्टॉक एंड मशीनरी वेयर डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड इन अ फायर एक्सीडेंट. याद है ना, ये प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन है.
The value of the stock lost was 6,50,000. Certain portion of the machine could be salvaged. The opening WDV, opening balance of the block as on 1/4/2023, that is WDV as on 31st March 2023 after providing depreciation was 10,80,000. मतलब मशीन की वैल्यू खोखे में 10,80,000 की थी. During the process of safeguarding machine and in the firefighting operation, Mr. A lost his gold chain and a diamond ring which he had purchased in April 2005 for 1,20,000. The market value of these two items on the date of the fire accident was 1,80,000. Mr. A received the following amount from the insurance company. Stock kitne ka tha sir? 6,50,000. Mila kitna? 4,80,000. To kya hua sir? Batao batao. To kya hua? Kya 1,70,000 ka business loss hai? Haan, stock hai na sir, to business loss. Agla, machinery kitne ki thi khokhe mein? वैल्यू कितनी थी? 10,80,000. सर मशीन के लिए मिला कितना पैसा? 6,00,000. क्या होगा सर? 4,80,000 का अभी भी लॉस है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. अगला, गोल्ड चेन के लिए सर कितना पैसा मिला? 1,80,000. गोल्ड चेन परचेज कितने में किया था? 1,20,000. सर क्या इसमें इंडेक्सेशन वाली बात है? हाँ सर, क्योंकि 2005 की बात है, 2005 से लेके अभी पैसा मिला, लॉन्ग टर्म है सर, प्योरली लॉन्ग टर्म है, तो हमें इंडेक्सेशन करके निकालना पड़ेगा. करके निकालो, बताओ. बताओ बताओ, इंडेक्स करके बताओ. इंडेक्सेशन की वैल्यू आपको देखना पड़ेगा सर, 5-6 की देखना पड़ेगा, और 5-6 की देखना पड़ेगा, और करंट ईयर का, ये करंट ईयर का तो 348 है, करंट ईयर का दिक्कत ही नहीं है. तो सेल कंसिडरेशन 1,80,000, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है सर? 1,20,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय सर 5-6 का बताओ कितना आ रहा है. क्या चीज? नहीं नहीं 5-6 का देखो ना. अरे 5-6 का सीआईआई नहीं मिल रहा है आप लोगों को? मैं बता देता हूँ. अलाइको जी can understand. Five, six का CII है 117, 3.391 117 है, ठीक है. तो ये आप करके इंडेक्स माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा. फाइनल बता रही है. माइनस करके बताना. बेवकूफ, अजीब बेवकूफ है. अपन प्लस माइनस नहीं कर पाते आकांक्षा. बहुत होता है 1-0, बहुत होता है 1-0. इतनी देर में भी नहीं कर पा रहे हो? मैं ही कर लेता हूँ भाई. 1,20,000 3 into 348 divided by 117 minus 1,80,000. Sir, 176,923. ये loss आ रहा है. यही आ रहा है? Check करो. यही आ रहा है क्या loss? कि इनकम आ रही है. तो मैं कब गलत बोला? तू खुद कॉन्फिडेंट नहीं है आंसर में, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैम मेरे को कैसे पता चलेगा? कैलसी तो तू चला रही है ना. हाँ, लॉस आ रहा है सर 176,923. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो.
Mr. Sarthak entered into an agreement with Mr. Jay Kumar to sell his residential house located at Kanpur on 16-8-2023 for 1 crore 50 lakh. ठीक है. The sale proceed were to be paid in the following manner. 20% through account pay check. Very nice. 60% on the date of possession of the property. Very nice. Sir, date of agreement में देखो check से पैसा दे देगा 20%. समझ रहे हो सर? Stamp duty value कब की लेना है? डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेना है सर. ठीक है. बैलेंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन. ठीक है भाई. मिस्टर राजकुमार वाज हैंडेड ओवर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 15-12-2023 एंड द रजिस्ट्रेशन वाज कंप्लीटेड ऑन 14-1-2024. ही पेड द सेल प्रोसीड एज पर द सेल एग्रीमेंट. तो सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरे लिए कब के काम किए सर? फर्स्ट वाली, जिस दिन सर एग्रीमेंट हुआ था. डेट ऑफ एग्रीमेंट ये है ना सर, तो इसी दिन के लिए मेरे लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू काम किए. कितनी? 1 crore 70 lakh. ठीक है. अब अगर आप नोटिस करो तो हमने क्या बोला, देखो सर, सर सेल कंसिडरेशन कितना है हमारा? 1 crore 50. अरे यार, हाँ ये सर 1 crore 50 lakh. इसमें आप 10% ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा सर? 1 crore 65 lakh. ठीक है सर. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 170 है सर. सर क्या ये इसके बीच में फॉल कर रही है? नहीं सर, ये इसके बीच में फॉल नहीं करती, ये तो इससे ज्यादा हो गई है सर. तो उस केस में जो मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, क्या यही मेरा सेल कंसीडरेशन हो जाएगा? यस, यही मेरा सेल कंसीडरेशन हो जाएगा. आया समझ? 1.70 crore. ठीक. उसके बाद आगे देखो. मिस्टर सार्थक हैज एक्वायर्ड द रेजिडेंशियल हाउस एट कानपुर ऑन 1/4/2001 फॉर 30 lakh. After recovering the sale proceed from the Jay Kumar, he purchased 2 residential house property. अच्छा, purchase कितने में किया? देखो दिया हुआ है, तो indexation कर ले. लो भाई, minus index cost of acquisition, क्योंकि long term है सर, तो 30 lakh into 348 upon 100, ये कितना आ जाएगा? 104. ये 30 lakh है ना? 30 lakh की, एक सेकंड, 30 lakh की है ना? तो ये 0.30 है. हाँ, अब करो, क्योंकि आप लोग पॉइंट्स गड़बड़ कर रहे हो. 0.30 into 348 divided by 100. 1.044. ये आप माइनस करोगे तो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. After recovering the sale proceed from Jay Kumar, he purchased 2 residential house property. दो purchase किया. पहले आप इसका capital gain का amount बताओ कितना है? Minus करके बताओ. 2 crore से कम है? हाँ. अगर 2 crore से कम है तो क्या ये 2 घर ले सकता है? Yes. Section 54 बोलता है भाई कि हम 2 घर की benefit दे देंगे आपको. कहाँ गया? तो सर इसने 2 घर खरीदा, 1 इन कानपुर फॉर 20 lakh, ठीक है, अनदर इन दिल्ली फॉर 35 lakh. एग्जाम में याद रखना, डेट्स भी चेक करना. यहाँ तो चलो डेट कन्वीनियंट है, कल के दिन हो सकता है सर 3 साल बाद होगा तो नहीं मिलेगा ना, ध्यान रखना सर. ठीक है, 2 साल के अंदर खरीदना होता है, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करना होता है, ध्यान रखना. तो 20 और 35, क्या दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा? हाँ सर, 55 का बेनिफिट मिल जाएगा. तो 0.55 माइनस कर लेंगे सर, तो ये कितना आ जाएगा सर? 106 आ जाएगा, 0.106 आ जाएगा. क्लियर है सबको? चलो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, ये आप लोग सही निकाल रहे हो कि नहीं. जी यही है. आया ये समझ? बैठा दिमाग में? सिंपल इजी क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन देखो. Yuvika bought a vacant land for 80 lakh in May 2005. Registration and other expense were 10% of the cost of land. So 10% मतलब कितना हुआ? 8 lakh. So 88 lakh का घर पड़ा. She constructed a residential building on the said land for 100 lakh. मतलब cost of improvement आपको सामने से दे रहा है सर. घर बनाई ना, तो cost of improvement दिया, but कब का है? 2007-8. Indexation करेंगे तो याद रखना, काम आएगा सर. He entered into an agreement for sale of the above said residential house
with Mr. Johar, not a relative in April 2015. The sale consideration was fixed at 700 lakh. And on 23rd April 2015, Mr. Yuvika received 20 lakh as advance in cash. Oh my God. By executing an agreement. जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन कैश में मिला, तो हमने तो बोला था सर एग्रीमेंट वाले दिन अगर कैश में मिल गया तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेते, रजिस्ट्री वाले दिन की लेंगे सर. However, due to failure on the part of Mr. Johar, the said negotiation could not be materialized and hence the said amount was forfeited. तो सर 1/4/2014 के बाद जो भी एडवांस मनी फोरफीट होता है वो तो आईयूएस में टैक्सेबल होता है. तो सर ये जो मिला है ना इसको कितना 20 लाख, ये कहां जाएगा सर, आईयूएस में टैक्सेबल. Clear? Mrs. Yuvika again entered into an agreement on 1/8/2023 for sale of his house at 810 lakh. She received 80 lakh as advance by RTGS. Wow, thank God. RTGS hai. The stamp duty value on the date of agreement was 890. Kya hume isi se matlab hai? Haan sir, isi stamp duty value se matlab hai. Theek hai? To dekho. सेल कंसिडरेशन उसमें 10% ऐड करके चेक करते हैं. सेल कंसिडरेशन कितनी है 810 लाख, इसमें 10% ऐड किया तो कितना हो गया ये बताओ, 891. सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 890. मेरा क्वेश्चन, क्या ये इसके बीच में फॉल कर गई? हाँ सर इसके बीच में फॉल कर गई, 891 हाईएस्ट लिमिट थी ना, उसके बीच में फॉल कर गई, बच गए सर. अब जो हमारी सेल कंसीडरेशन है ना सर, यही फाइनल सेल कंसीडरेशन है, समझ आया? 810 ये क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. द सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन 14/1/2024 फॉर द एग्रीड कंसीडरेशन. हाउएवर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी हैज रिवाइज्ड द वैल्यू. आहा ठीक है. हैज द वैल्यू ऑफ द फॉर द स्टैम्प ड्यूटी पर्पस वाज 900 लाख. ठीक है, जब हम रजिस्ट्री कराने गए तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाले ने बोला भैया 900 लाख, उससे हमें फर्क पड़ता ही नहीं सर, हम तो एग्रीमेंट वाले दिन की लेंगे. यूविका पेड 1% एज ब्रोकरेज ऑन सेल कंसीडरेशन. सेल कंसीडरेशन कितना था सर, 810, तो 810 का 1% करो, 1% 8.1 ये माइनस कर देंगे अपन, तो ये कितना आ जाएगा सर 801.90. ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमारा आ गया नेट सेल कंसीडरेशन. अब इसमें हम क्या माइनस करेंगे सर, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अच्छा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 88 लाख, याद है ना सर, 80 था उसमें 10% ऐड किए थे, इनटू 348 डिवाइडेड बाय कब का है वो, 5/6/2005 दिया हुआ है हमें, ये रहा 117, तो इसको 117 ले लो, कितना 7.4. ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी है सर, बिल्डिंग बनाया है सर 100 लाख की, इनटू 348 डिवाइडेड बाय, अच्छा बिल्डिंग के लिए ईयर अलग था, 78 था, 78 का देखो सर 129 करो, ये 269. अब ये दोनों माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है, 0.4. ये मेरा क्या गया, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब बंदे ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट भी किया. देखो सर ध्यान दो, एक्वायर्ड 2 रेसिडेंशियल हाउस एट दिल्ली एंड चंडीगढ़. अब भैया तुम घर बेचे और घर खरीदे, हम 54 के एग्जेम्पशन देंगे, पर भैया तुम्हारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए. यहां तो तुम्हारा कैपिटल गेन बाप रे बाप, ये तो 2 करोड़ से कई ऊपर है सर, 2,70,00,000 है सर आपका कैपिटल गेन. तो गया ना, 2 घर की एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं सर, आपको एक की मिलेगी, आप सिलेक्ट कर लो आपको जो एक घर पसंद है. तो सर देखो, दिल्ली वाले घर के लिए पैसा दिया 130 लाख और चंडीगढ़ वाले घर के लिए पैसा दिया 150 लाख. तो मैं बोला भैया एक बात बताओ, दिल्ली वाला ज्यादा है, दिल्ली वाला ले लेते हैं, तो 130 ये ले लेंगे. ठीक है, अच्छा acquired residential house at UK, ये तो कहां ही आ गया, अबे इंडिया का देखते हैं, इंडिया से बाहर तो देखते भी नहीं है. सब्सक्राइब टू NHAI बॉन्ड अप्रूव्ड अंडर 54EC फॉर 50 लाख ऑन 29 मार्च 2024 एंड 40 लाख ऑन 12 मई 2024. भैया मैक्सिमम तो 50 मिलता है, पर पहले इस 50 के लिए भी देखो 6 मंथ के अंदर इन्वेस्ट किया क्या,
जब से ट्रांसफर किया है, क्या 6 मंथ के अंदर इन्वेस्ट किया है, ट्रांसफर किया इस डेट में, कि ये डेट भी है सर, रजिस्ट्री वाली डेट भी है, सोच लो। वही तो बात है, कब की डेट देखूं, रजिस्ट्री की डेट देखते हैं, एग्रीमेंट की डेट नहीं देखते सर, रजिस्ट्री की डेट देखते हैं, याद रखना रजिस्ट्री की डेट देखते हैं, है ना, जिस दिन से रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि रजिस्ट्री होना फाइनल होता है सर, रजिस्ट्री हो गई मतलब प्रॉपर्टी प्रॉपरली ट्रांसफर हो गई है सर, तो रजिस्ट्री से 6 महीना देखते हैं सर, तो रजिस्ट्री से क्या 6 महीने के अंदर है, अगर 6 महीने के अंदर है बोलोगे तो 50 लाख दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, बताओ भाई। मिल जाएगा 50, ठीक है, तो मैक्सिमम हमें कितना मिल जाएगा 50, तो ये माइनस कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 220.4। अच्छा 1,30,000 भी तो माइनस करना है, 54 ईसी वाला और 54 वाला 130 भी माइनस करो सर, 130 भी माइनस करो, 180 माइनस कर दो टोटल, तो कितना आ जाएगा 90.4। चेक कर लो आंसर, एक आध पॉइंट पे हो सकता है इधर उधर, बाकी आंसर मैच कर जाएगा। आया समझ सबको, क्लियर हुआ, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट ही है मेरे ख्याल से ये। शिवा परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन फेब 15, 1979 फॉर 3,24,000। इन एडिशन ही आल्सो पेड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% ऑन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 3,50,000। उस टाइम पे किया था 10% पे किया था, तो उस टाइम की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दे दिए सर 3,50,000 उस टाइम की। स्टैम्प चार्जेस तो पे किया ना उसने 10%, मतलब 3,50,000 का 10% मतलब 35,000 उसने स्टैम्प चार्जेस उस टाइम पे किया था। ये तो ठीक है 1979 की बात है, अभी तो 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू भी पिक्चर में आएगी सर, ठीक है, कभी भी देखना अगर 1/4/2001 के पहले का कुछ दिया हुआ ना तो दिमाग में रखना कि सर कहीं ना कहीं 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू दिखने वाली, मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं तो दिखेगी। ये देखो देखिए देखो देखिए, क्योंकि हमें तो काम फिर इससे हो जाएगा ना सर, कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में बीच एवरेज हायर ले लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,70,000। आया समझ, तो देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, इन अप्रैल 2008 मिस्टर शिवा एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर मोहन फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर 14,35,000 एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1,11,000 एज एडवांस। हाउएवर द सेल कंसीडरेशन डिड नॉट मटेरियलाइज एंड मिस्टर शिवा फॉरफिटेड द एडवांस। ओ भाई कब की बात है ये, 2008, तो 1/4/2014 के पहले है सर, तो ये जो 1,11,000 है क्या कॉस्ट से माइनस होगा, क्या माइनस होगा, हाँ माइनस होगा ना, क्यों नहीं होगा सर, 1/4/2014 के पहले कोई भी एडवांस मनी प्रॉफिटेड रहता है वो कॉस्ट से माइनस होता है, माइनस करेंगे सर, हाँ जी 10,70,000 ये जो आप निकाले ना सर इससे, ठीक है। इन मई 2015 ही अगेन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद फॉर द सेल ऑफ द सेड हाउस फॉर 20,25,000 टू मिस दीपशिका एंड रिसीव 1,50,000 एज एडवांस। हाउएवर एज मिस दीपशिका डिड नॉट पे द बैलेंस अमाउंट, ये भी फॉरफिट हो गया, तो सर ये तो 1/4/2014 के बाद का है, तो ये कहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, आईओएस में चल जाएगा। अपन अपनी बुक से इस लेवल के क्वेश्चंस किए हुए रहते हैं कि ये सब बहुत इजी लगने लग जाते हैं, अपन इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस किए हुए रहते हैं ये बड़े इजी लगने लग जाते हैं। इन अगस्त 2015 मिस्टर शिवा कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट फ्लोर, आहा फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, ये मेरी क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। On November 15, 2023, Mr. Shiva entered into an agreement with Mr. Manish for the sale of such house for 30,50,000 and received an advance of 1,50,000 as advance through an account pay check. Mr. Manish paid the balance amount. चलो, finally balance amount pay भी हो गया। तो ये मेरी sale consideration हो गई, 30,50,000.
And Mr. Shiva transferred the house to Mr. Manish on the Feb 2024. And Mr. Shiva paid the brokerage of 1% of the sale consideration. So 30,50,000. इसका 1% आप निकाल लेंगे सर और माइनस करेंगे. फिर उसके बाद आपको फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है. फर्दर द वैल्यूएशन एज पर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ऑफ सच हाउस ऑन 15th नवंबर 2023 वाज 39 लाख एंड 25th 2024 वाज 41 लाख. आराम से ध्यान दो, क्या एग्रीमेंट वाले दिन उसने चेक से पैसा दे दिया? हाँ. तो सर डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन से ही कंपेयर किया जाएगा. अब डेट ऑफ एग्रीमेंट कब है सर? 15 नवंबर है सर. तो उस दिन वैल्यू कितनी है सेल कंसीडरेशन? सेल कंसीडरेशन प्लस 10%. सेल कंसीडरेशन है सर 30,50,000 प्लस कर लोगे 10% तो कितना हो जाएगा सर? ये ठीक है. अब चेक करो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब, इस दिन कितनी थी? 39 लाख थी. अब चेक करो क्या ये इसके बीच में फॉल कर रही है? नहीं. क्या ये इससे ज्यादा है? यस. तो क्या मेरी सेल कंसीडरेशन भी 39 लाख हो जाएगी? यस. यही मेरी सेल कंसीडरेशन हो जाएगी 39 लाख. समझ आया? अच्छा, जब अपन ब्रोकरेज निकालेंगे तो ब्रोकरेज तो 1% ऑफ सेल कंसीडरेशन है, तो ब्रोकरेज तो हमेशा इसी का निकलेगा, ध्यान रखना. ठीक है, तो माइनस आप ब्रोकरेज कर लो. ठीक, फिर आपका नेट सेल कंसीडरेशन आएगा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो भी इंडेक्स सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, काफी लॉन्ग टर्म है. और आपने जो निकाला था 10,70,000 उसमें से एडवांस माइनस किया होगा. एडवांस माइनस करने के बाद इंडेक्सेशन करो और बताओ मेरे को कितना आ रहा है. बताओ ना, बताओ. 9,59,000 होगा इसका 348 डिवाइडेड बाय ये 100, ये कर लो. फिर माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट की कॉस्ट कितनी थी? रुको मैं देखता हूँ. 3,90,000, इसको छोटा कर देता हूँ. 3,90,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय कब है इंप्रूवमेंट भैया? 2015-16 का कितना दिया हुआ है? 254. माइनस करो सब, माइनस करो और माइनस करके बताओ सर कैपिटल गेन. फाइनली कैपिटल गेन बताओ कितना आ रहा है तो लॉन्ग टर्म आप बताओ कितना आ रहा है सर, सब माइनस करके बताओ. ब्रोकरेज माइनस करना ना, ब्रोकरेज 30,500 है सर ब्रोकरेज, माइनस करके 2,151 कैपिटल गेन. यही आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लॉस. गेन और लॉस में अंतर है नालायको, ये लॉस आ रहा है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है नालायक, गेन और लॉस में अंतर है. आया समझ? ये आप लोगों का कैपिटल गेन का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. क्रिस्टल क्लियर? धन्यवाद.